बहुत ही शानदार मैच होने वाला है दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है वैसे भी लाइव साथियों का राज क्रिकेट फेवरेट फेसबुक पेज पे, जहां दोस्तों मेगा फाइनल मुकाबले की टॉस की जो प्रक्रिया है वो अभी हम आपके साथ में लेकर जुड़ चुके हैं। इस मैच की पहले टॉस होगी, उसके बाद हमें खिलाड़ियों का परिचय लेंगे और उसके बाद जो है वो डिसाइड होगा कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। हरियाणा वर्सेज श्री बालाजी क्लब के मध्य मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें सितारे जो है स्टार जो है वो आमने सामने होंगे। तो एक बार जरूर टीम परिचय में हम भी साथ चलते हैं। टीम हरियाणा की ओर से पहले प्रथम नाइट नाम बताओ। अमित जी शर्मा, सुरेंद्र जी बाबा, श्री संजय जी जाडली, साहिल फोगाट, अजय, रोहित चार, जिन दो खिलाड़ियों ने छक्के मारे थे दोनों टीम की तरफ से, मोगली, लियाकत अली, विक्रम, नवीन और ये है अनिल जी मोटो। तो अब वही टीम जयपुर की ओर से परिचय में रमेश धोनी, राजेश जी, नीरज ओजटू, राजेश शर्मा, दारा जी, सुरेंद्र सूरी, राजेंद्र चोपड़ा और अजीत भाई साहब, अजीत कड़वासरा, अमित चीड़ा, नाम भाई साहब दीपक चौधरी, प्रकाश शर्मा, नरेंद्र चौधरी, जीतू शर्मा, राजेंद्र चौधरी, गणेश जी, दीपक जी शर्मा, लाला जी और सीताराम जी और ये है ओम प्रकाश जी। ये है हमारे सीनियर जिनको हम गणेश दास जी के नाम से जानते हैं। टॉस होने जा रही है दोस्तों, हरियाणा और जयपुर श्री बालाजी क्लब के कैप्टन मौजूद है। टॉस की प्रक्रिया यहां से शुरू होती हुई भाई। नमस्कार सभी मानसा वासियों को, आप सभी का दिल से स्वागत है यहाँ पर आज का प्रतियोगिता। ये फाइनल और अंतिम आपने क्या मांगा भैया? झज्जर टॉस जीती है भैया। तो टीम झज्जर ने जो ऐसे फाइनल मुकाबले का टॉस जीता और फैसला लिया है गेंदबाजी करने का। 12-12 ओवर का ये मुकाबला हुआ, तो टीम झज्जर पहले गेंदबाजी करेगी और टीम बालाजी क्लब पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी दोस्तों। तो अभी जो है हम इस लाइव टेलीकास्ट को अपने जो यथावत स्थान जो है उसे उस जगह पे जो है सेट कर लेते हैं और परिचय करते हैं। बहुत अपेक्षा करते हैं इस ग्राउंड से, जो भी जाए वो इस ग्राउंड को याद करेगा। जय भारत, जय श्री राम। इस फाइनल मुकाबले के बारे में जरूर बताए दो शब्द कोई भी साथी। बालाजी क्लब पहले बल्लेबाजी करेंगे भवन लाल जी। इनाम बोलने का कोई रिकॉर्ड टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल हमारे हीरो होंडा होंडा जी की तरफ से भी बोलो, लेकिन होंडा जरूरी दोस्तों हम अपने 21,000 में तक दे चुके 4 दिन के अंदर।
जब मैं पहली बार आया था, जब इन्होंने ही मेरी अम्मी पकड़ के इस मैदान के अंदर खेलना सिखाया था, लगभग एक दशक से ज्यादा मैंने इस खेल जीवन को दिया है। इस राज्य जिले का भी नाम रोशन किया, लगभग 7 वर्ष तक रास्ता रिकॉर्ड रखा मेरे नाम 400 मीटर का। तो मेरे गुरु है दीपक जी शर्मा, जो ये प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। बहुत कम लोग इनके बारे में बताते, पर मैं आज आपको बता दूं, बहुत ही सचेत व्यक्ति है और प्रत्येक परिस्थिति में गांव के कोई भी इस खेल मैदान से जुड़ने वाला प्रतिभावान खिलाड़ी आता है तो उसको सदैव सबसे पहले जीत चुके हैं। उस गांव के कुछ प्लेयर भिवानी के और कुछ प्लेयर झज्जर के हैं, जहां से प्रो कबड्डी के अंदर बहुत सारे खेल रहे हैं। और खेल के क्षेत्र में हम ज्यादा इसके अलावा और किसी गेम के बारे में ज्यादा गहराई से नहीं जानते, तो मैं जानता हूं एथलेटिक्स जो एक रनिंग ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स है, उसके अंदर हरियाणा के खिलाड़ी बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हिंदुस्तानी पसंद करते हैं। ओम जी, ओम प्रकाश जी से एक विनती है कि जरा इस ग्राउंड के बारे में, इस धरती के बारे में, इस मालपा की ये जो पांव धरा इस धरती के, इस ग्राउंड के बारे में भी बताएं। और दर्शक है, जो दर्शक इतने बैठे हैं उनसे विनती है, अगर पूरा आनंद लेना है, पूरा मजा लेना है, तो ये पूरा मैच खत्म होने के बाद में आपका सारे मन की इच्छाएं, मतलब खाली डांस देखने की ज्यादा ना सोचें, लेकिन अपनी जगह बनाए रखें और नियम कायदा का ध्यान रखें। इसलिए कहता हूँ मित्रों, दो कदम दूर, जैसे ही मैच समाप्त हो जाएंगे उसके बाद बहुत ही रंगारंग प्रोग्राम होगा और बिहार से भी डांसर आ रही है और अभी ये अपने डिगी कल्याण जी महाराज के दर्शन कर रही है। बिहार से दो डांसर हैं
और एमपी से भी है वो इधर अपने केकड़ी छोटा बेरू जी के नहीं तो आनंद लीजिए और कृपया करके अपनी जगह ना छोड़े। धन्यवाद। अरे लोग लाइनिंग तो करवा लेते हैं। चलो मैं क्या बताऊं तो साथी बनाए रखे मुझे प्लीज। हेलो फिल्टर सेट होते हुए और जी हाँ ये फाइनल मुकाबला चल रहा है और कमेंट्री मैं कर रहा हूँ, भाई लोग आराम से देखें। लो भाई दोस्तों एक बार फिर से इस मुकाबले में लौट जाए मेगा फाइनल मुकाबला स्टार्ट होगा। मुकाबले की पहली बॉल रही टॉस। जी हाँ लाइव साफ करो अब क्लियर हो जाएगा भाई। अब जो वो क्लियर चलेगा लाइव अब नहीं रुकेगा क्योंकि जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो भी अब ठीक कर दी गई है। अभी इस मुकाबले में लौट जाए ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मुकाबले में जुट जाए। वीरेंद्र डारा अजीत कड़वासरा नीरज डाला सुरेंद्र सैनी और ये नाम जो वो आपको इस मुकाबले में देखने को मिलेंगे। 12-12 और का ये मुकाबला होगा दोस्तों जिसमें चार और जो पांच लेके होंगे और एक्टिव कार्यकर्ता रहे हैं इस समिति के मुकाबले में जुड़े अंतिम मुकाबले में शेयर जरूर करते हैं सभी साथियों एक बार इस मुकाबले को शेयर करें। चौधरी एक दोस्त हर एक साथी तक ये मुकाबला पहुंचा दे। इस मुकाबले में इस टूर्नामेंट में खास बात ये रही जी हाँ इस बॉल के बाद में आपको बताऊंगा। रिवर्स खेलते हुए और ये शानदार और ये इस अंतिम मुकाबले की पहली बारी का चौका रिवर्स मारा झज्जर जाल्डी वर्सेज श्री बालाजी क्लब के मध्य मुकाबला खेला जा रहा है दोस्तों मेगा फाइनल मुकाबला। राम राम भाई सभी को राम राम सभी को सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। वंडरफुल सेट शानदार अभी एम्पायर का इंतजार और रन एम्पायर करने के बाद और रन इसी के साथ 9 रन श्री बालाजी क्लब मालपुरा शानदार बैटिंग करते हुए और झज्जर मैच जो हो रहा है वो हो रहा है मालपुरा के अंदर मालपुरा के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में ये मेगा फाइनल मुकाबला चलता हुआ दोस्तों और हमारे लाइव साथी इस मुकाबले में कम से कम 2000 तो होने चाहिए 2000 का टारगेट रखते हैं इसे लाइव टेलीकास्ट शेयर करते हुए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में अनिल मोटू भी आपको इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे। इस बार जरूर नौ बॉल
जरूर 9 बॉल भी यहाँ से मिलती है और फिर हिट का सामना करेंगे सुरेंद्र गाद से। हाँ भाई सोहेल भाई, हमारी टीम जो है वो हरियाणा से बाहर हो चुकी है सेमीफाइनल मुकाबले में। सेमीफाइनल मुकाबले में टीम हरियाणा से हारकर बाहर हो चुकी है। खींची होंडा, उनका नाम लेते ही गुदगुदी होती है। ये सभी प्लेयरों के लिए शानदार। श्री बालाजी क्लब पांत्रा के 11 रन, 3 बॉल, पहला ओवर और फ्री हिट का आनंद। ओहो अजीत कड़वासरा जो है वो बल्लेबाजी वाली टीम में, अभी जो टीम अभी बैटिंग कर रही है उस टीम में है अजीत कड़वासरा। आपके कॉल आने वाले हैं, उनको जैसे ही बाउंड्री के बाहर अगर बॉल जाती है या विकेट आता है तो उनके अंदर जिन साथियों ने दोस्तों हमारे पेज को अभी तक लाइक नहीं किया है, सॉरी फॉलो नहीं किया, वो फॉलो जरूर कर लें। शानदार। और जिन भी साथियों को 75 स्टारों का डिजिटल गिफ्ट मिले, फ्री के स्टार्स मिलते हैं दोस्तों, 75 स्टारों का गिफ्ट मिलता है, तो वो गिफ्ट जिन भी साथियों को मिले वो जरूर सेंड। सुरेंद्र सैनी और डाला राजेंद्र चौधरी समय क्रीज में मौजूद। 4 बॉल कंप्लीट, 11 रन, श्री बालाजी क्लब मालपुरा। छज्जर झारली में पहले टॉस जीत के 5 बॉल। लाइव अच्छा चल रहा भाई, अभी तो जो है वो नेटवर्क दिक्कत नहीं आ रही, थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा दिक्कत में होता है। और एक बार फिर से सुरेंद्र सैनी को बाहर का रास्ता दिखाया भाई। सुरेंद्र सैनी एक बार फिर से 0 के स्कोर पर आउट होकर बाहर जाते हुए पहला विकेट मिलता हुआ टीम हरियाणा को। अजय ने अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई है। एक टी शर्ट लादे स्पोर्ट की तरफ से जोरदार ताली, हर चक्के पर एक टी शर्ट राधे स्पोर्ट। स्पीड में बढ़ती जा रही है, अब चौके छक्कों की, विकेट की, फील्डिंग की, बॉलिंग की, जितना अच्छा गेम हुए जबरदस्त खेले। और श्री बालाजी क्लब मालपुरा बैटिंग करते हुए 11 रन, 1 विकेट, 1 ओवर की समाप्ति पे। जी हाँ, 1 ओवर खत्म हो चुका है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे श्री बालाजी क्रिकेट क्लब का। और जी राजेंद्र डाला भी अपने क्रीज पे मौजूद है, आप निराश ना होइए, आपको पूरा रोमांचक देखने को मिलेगा। ये बहुत ही विस्फोटक शैली के बल्लेबाज है हमारे बीच में, बाबा बता चुके हैं। नवीन आए दोस्तों अपने कोटे का पहला ओवर और पारी का दूसरा ओवर करेंगे। दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है, नवीन जो की छज्जर झारली की तरफ से आ रहे, बहुत ही किफायती बॉलर हुए इस प्रतियोगिता में अब तक। अतीक भाई पहुंच चुके हैं और ये बॉल नवीन राजेंद्र चौधरी डाला के लिए। सीताराम जी नहीं है प्लेइंग 11 में नहीं, और इसको लेग साइड पे देखते हैं खिलाड़ी पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते। और इसी के साथ 4 रन, बहुत ही खूबसूरत कलाइयों का इस्तेमाल किया और लेग साइड में 4 रन बटोर दिए। श्री बालाजी क्रिकेट क्लब का स्कोर बढ़ते हुए 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे 1.1 ओवर की समाप्ति। फाइनल मुकाबला, मेगा फाइनल मुकाबला दोस्तों इस टूर्नामेंट का। अगर मेरी आवाज कुछ सुन पा रहे हैं तो राकेश जी सोधी आपको याद करें, स्टेज की तरफ आए और इनसे संपर्क करें, शेयर कर दे राकेश मुकाबले को जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप शेयर कर दे। इस प्रतियोगिता का दूसरा ओवर की त्रिबोल, 11,000 इनामी राशि वाले टूर्नामेंट का ये मेगा फाइनल और घुमा के मारना चाहते थे बोल और भाई बोल, जिस प्रकार का संपर्क नहीं हुआ और ये शॉट कॉल। श्री बालाजी क्लब बहुत ही अच्छी टीम है, राजेंद्र चौधरी मजे हुए विस्फोटक बल्लेबाज, इनसे उम्मीदें हैं। नदीम तंदूरी नहीं है भाई, गोके मारना चाहते थे बॉल और बल्ले के बीच में किसी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ, बॉल सीधी विकेट के दर के दस्तानों में और रनों में किसी प्रकार का कोई इजाफा नहीं हुआ इस मुकाबले में जो है। हम हरियाणा की टीम को हल्के में नहीं ले सकते क्या? अगर माइक वाला भाई अगर मेरी बात सुन पा रहा हो तो
पास में आना पड़ेगा, पास में आना पड़ेगा। और ये रिवर्स में घुमा के मार दिया, बॉल सीधी सीमा रेखा से बाहर, चार रन के लिए ऑफ साइड में राजेंद्र चौधरी और डाला अपने विस्फोटक शैली का परिचय देते हुए। और इसी के साथ स्कोर में इजाफा होते हुए 19 रन एक विकेट के नुकसान से 1.4 ओवर की समाप्ति पे नवीन अपने दूसरे ओवर पहले ओवर की 5 बॉल राजेंद्र डाला के लिए। और ये व्हाइट बॉल गणेश जी चौधरी द्वारा। हाँ भाई, किसी का झुंझुना गुम हुआ हो, किसी दर्शक का झुंझुना अगर गुम हुआ हो तो कृपया बताए। और ये वापस इस बॉल को वापस डालना होगा नवीन को, और बहुत ही अच्छी बॉल। हाँ, हरियाणा की खिलाड़ी द्वारा एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है अपने इस खेल ग्राउंड पर। और जब से मैंने इनकी खेल को देखा है, इनके अनुशासन को देखा, फाइनल मुकाबला चल रहा है, ये जो मैं चल रहा हूँ फाइनल मैच चल रहा है, विशेष रूप से क्रिकेट को बाकी मानना पड़ेगा। बहुत अच्छे खिलाड़ी है ये लोग, सारे ऑलराउंडर है, अलग-अलग सारे खिलाड़ी। और ये अपने ओवर की अंतिम बॉल, और इसको लेग साइड में खेलना चाहते थे राजेंद्र डाला, विफल रहे और रनों में किसी प्रकार का कोई इजाफा नहीं हुआ। और ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति पे 20 रन के स्कोर पे एक विकेट। जी हाँ, अभी 10 ओवर 30 रन की करंट रन रेट चल रही है, इसके हिसाब से पॉजिटिव स्कोर 120 रन जाएगा, जो कि बहुत अच्छा होता है इस ग्राउंड के लिए। फाइनल मुकाबला चल रहा है आपके सामने, हरियाणा और राजस्थान के स्टार प्लेयर फिर से। अभी से अंतिम मुकाबले को खत्म होने के बाद में एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होने वाला बहुत अच्छा, जिसकी आप झलक की देख सकते एक बार। जी हाँ, एक आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करेंगे, दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं अच्छे, क्योंकि दूसरा का तीसरा और 12 ओवर का ये मुकाबला, जिसमें पहली पड़ गई तो बता दीजिए। शानदार, श्री बालाजी क्लब ने एक विकेट खोकर 20 रन 2 ओवर। झज्जर से आई हुई टीम हरियाणा की, मारे छोरे भी छोरिया से कम नहीं भाई, और शानदार बॉलिंग दोनों तरफ से, आनंद ही आनंद। और पैसे बोलने वाले चुप क्यों रहे भाई, का बापो इज्जत का ढूंढड़ा मत करो रे यार। हाँ जी, एक छक्के पे खींची होंडा साहब, जबरदस्त कॉल, एक छक्के पे 100 रुपए, जोरदार तालियां खींची होंडा। मालदेव नगरी में बया मालदार गढ़ा, शानदार। एम्पायर के बीच और कैप्टन के बीच कुछ डिस्कस होता हुआ, और बहुत ही प्यारी पब्लिक हमारी मालदेव नगरी की, कत्ता क्षण आ जाए अगर लालच तो कोई और थे नमन चमन बैठ भाग, हाँ तो इनकी भी इच्छा पूरी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मैच चलता हुआ, और बॉलर भाई अजय अपना शानदार कर और सिंगल लेते हुए, और भाई अजय की बॉलिंग बहुत ही स्टिक, शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन जज्जे वालों की तरफ से। और अब सुरेंद्र शैली आउट हो चुके हैं भाई, सूरी भाई सुरेंद्र शैली आउट हो चुके हैं, शेयर कर दिया दोस्तों और भी साथी जुड़े हुए श्री बालाजी का फाइनल मुकाबले में। वालेकुम सलाम इमरान खान भाई, इसके बाद अजीत भी बैटिंग करने आना बाकी, डारा बाकी, अजीत अभी चीड़ा भी बाकी है भाई स्क्वाड में। अजय भाई की दूसरी ओवर की दूसरी बॉल हाथ में है, सामने है, बहुत ही शानदार
शानदार मैच चलता हुआ और इतने प्यारे दर्शक मैंने आज तक कड़वास रहा है डारा है डाला है जी उम्मीद लेके बैठे होने के बाद सॉरी नीरज शर्मा सुरेंद्र सैनी अमित चिड़ा और उनके सामने होंगे अरुण डागर मोगली सुमित अजय रोहित साहिल अनिल मोटू तीसरे ओवर की तीसरी बॉल भाई 2022 अलविदा कह रहा है बहुत ही बढ़िया शॉट घुमाते हैं और फील्डर के सामने से चार रन इसी चौके के साथ 25 रन और ये फिर फोन आता हुआ खींची होंडा शानदार ये 25 रन एक विकेट तीसरा ओवर प्रगति पे आधा हो चुका है भाई आपका नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती इस वजह से जो वो आपका नाम नहीं लिया किधर चल रहा है मैच जो चल रहा है वो मालपुरा के अंदर चल रहा है बहुत ही शानदार बॉलिंग अजय प्रताप श्री बालाजी आपका मालपुरा ने 25 रन दो ओवर चार बॉल पे बनाए योगेंद्र सिंह पायल भी जुड़ चुके हैं भवन लाल नाइस लगातार ये मुकाबला बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ दोस्तों अजय एक बार फिर से चलेंगे डाला के लिए बहुत ही शानदार कट मार दिया और फील्डर उसके साथ और दौड़ते हुए बॉल को पकड़ लिया एक रन के साथ समझ रहे हो आप 26 रन ये ग्राउंड जो है वो मालपुरा का तीसरे ओवर की लास्ट बॉल भाई अजय के हाथ में और सामने है राजेंद्र मुकाबला दोस्तों ये जो मैच है वो 12 ओवर चौधरी साहब टोनी चौधरी भाई ओहो बहुत कोशिश की लेकिन असफल और इस ओवर की समाप्ति पे 26 रन 3 ओवर 1 विकेट और इसके साथ ही अब हमारे ओम जी भाई साहब भाई ओम जी जी हाँ थैंक यू महावीर जी काटोली आपका वो कहते हैं कि कामयाबी को जुनून फिर मुसीबतों की क्या औकात है जी हाँ दोनों टीमें इस जुनून के साथ खेले ये क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच को 26 तो अपने अपने जुनून के साथ खेले श्री बालाजी क्रिकेट क्लब मालपुरा की बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन है अब तक हरियाणा की टीम आपने 3 ओवर शेयर करते दोस्तों लगातार मुकाबले को 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं अंतिम ओवर पावर प्ले का नवीन करेंगे अपने कोटे का दूसरा ओवर पावर प्ले का अंतिम और पहली गेंद में निकालना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हो पाए आके एक रन लेना चाहते थे पर नहीं ले पाए और ये असमंजस में रहे देखते क्या होता है और जब फोन उतर में बाकी खिलाड़ी ने अपने एक रन का इजाफा किया अपने टीम में एक रन का स्कोर और ऐड किया और जिन भी साथियों को दोस्तों वो फ्री के स्टार मिले 75 स्टारों का गिफ्ट मिलता है और वो जरूर सेंड करें पेज के ऊपर मिलते हैं स्टार पेज के होते हैं और वापस पेज पे ही भेजने होते हैं हाई वोल्टेज मुकाबला है जहां तक मैं देख पा रहा हूं आज इस मुकाबले में कोई भी जो हो गए वो सुरेंद्र सैनी हो गए थोड़ी जानकारी दो जी जी नामी राशि जरूर भेजिए केनाड़ो भाई साहब नामी जो राशि है वो 111,000 रुपए है और वही उपविजेता जो राशि रहेगी वो 51,000 रुपए रहेगी और उठा के मारना चाहते थे बहुत बुरी तरीके से पीटे हुए दीपक चौधरी और सीधे बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में रनों में किसी प्रकार का कोई इजाफा नहीं साथी लगातार जुड़ते रहे मैच को लगातार शेयर करते रहे और लगातार जो है हमारे साथ इस मुकाबले में साथी जुड़ते रहे फाइनल मैच में दोस्तों दोस्तों आपके साथ लेके जुड़ चुके हैं मालपुरा क्रिकेट ग्राउंड से इसे डे नाइट प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला है दीपक चौधरी के लिए और उठा के मार दिया देखते क्या होता है नीचे है मोगली क्या इसको केस कर पाते हैं जी हाँ और ये बहुत गजब की मिसफील्डिंग कर दी है भाई मोगली और 4 रन और दे दिए हैं और ये दीपक चौधरी इस जीवन दान का कितना फायदा उठा पाते हैं हम देखते हैं हमने देखा था इस टूर्नामेंट के एक आइकन उभर के आए थे सागर साहब जिनको पहले मैच में दो जीवनदान मिले थे 94 रन बनाए थे पूरी टीम ने उनमें से 46 रन अकेले ने बना दिए थे तो उम्मीद करते हैं भाई डारा के मैच चल रहा है डारा जो है वो बैटिंग टीम है बल्लेबाजी वाली टीम है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन जी हां रिस्क लेना होगा ये अगली बॉल
और वापस उठा के मारा है वापस मोगली की दिशा में, देखते क्या होता है। और मोगली ने कोई चुप नहीं की और अगली बॉल पे दीपक चौधरी ने अपने इस जीवनदान का कोई मौका इस बार जरूर कोई मौके का फायदा नहीं उठाएगा। नवीन को पहली सफलता और झज्जर झाड़ली को अपनी दूसरी सफलता मिली। श्री बालाजी क्रिकेट क्लब का दूसरे विकेट का पतन हो गया मात्री के 30 रनों के स्कोर में। 3.4 ओवर की समाप्ति हुई अभी तक। 3.4 ओवर का ये खेल हुआ जिसके अंदर 2 विकेट दे चुकी है श्री बालाजी क्रिकेट क्लब मालपुरा। जी हाँ, संयमित खेलना होगा। बहुत ही शानदार बॉलिंग। जी हाँ, सबको बोलने का मौका मिलेगा थोड़ी देर बाद में। शानदार बॉलिंग भी आप देखोगे, पहली बॉल अगर मिस हुई है दूसरी बॉल भी उसी तरीके से दी और भाई मोगली ने शानदार अपनी गलती का भरपाई किया। जी हाँ, भावीन जी भाई साहब बता रहे हैं कि एक बार गलती हो जाती है, दूसरी बार गलती नहीं होती है। और ये 4 ओवर चल रहा है पारी का। अभी जो करंट रन रेट है 8.45 की है, जिसके से 101 जो है वो देखते हैं खिलाड़ी अजीत करवास रहा है। बॉलर और एम्पायर नीरज डारा है, डिस्कशन होता हुआ नीरज शर्मा है, सुरेंद्र गाजसर। नजारा पहली बार देखने को मिल रहा है इस मालपुरा जीतू शर्मा आ चुके हैं दोस्तों अब बल्लेबाजी करने के लिए। लेफ्ट ही सामने है और ये लेग साइड में धकेल दिया लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ने और भाग्य बॉल थ्रू में अपना सिंगल पूरा किया। जी हाँ, और मालपुरा के इतिहास में, मालपुरा खेल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये मैच लाइव आउट जो है वो सुरेंद्र हो गए हैं जा रहा है, जिसको आप सुरेंद्र सुरेंद्र गाचर हो चुके हैं और दीपक चौधरी आउट हो चुके हैं। दीपक चौधरी और सुरेंद्र गाचर आउट होकर बाहर जा चुके हैं। आखिरी गेम राजेंद्र ताला के लिए, देखते क्या होता है। राजेंद्र गाला को यॉर्कर डाली है और बिल्कुल सटीक यॉर्कर जिससे बचे राजेंद्र गाला और रनों में किसी प्रकार का कोई गुरु जी जुड़ चुके हैं। गुरु जी हमारे साथ के लिए आमंत्रण करना चाहता हूं बड़े भाई राजेंद्र महावीर जी सांडोली जी की भगवा के नाम से परिचित है। मैं चाहता हूं कुछ चुटकुले सुनाइए सामने दर्शक अभी ठंडे ठंडे बैठे हुए इनके बीच में हंसी के गुंजन हो रहे हैं। वो 1,11,000 रुपए में 1,11,000 रुपए होगी। धन्यवाद सी और सेकंड पोजीशन पर रहने वाली टीम को फोन मलायो लताने और मलगियो खाने खजे बुआ जी डोग दी चू बड़ी आवाज आए बेटा डबुआ जी कौन सा फूफा जी से तोड़े फूफा जी बेचारे जा रहे हैं दर्शन हो सो तो ले। हां सोदू को तो आज भी बाण न कट भाई। इन्होंने बहुत ही अच्छा बैकअप किया और इस चौथे ओवर में इन्होंने रन रोक दिया। जीतू शर्मा वे जीतू शर्मा श्री बालाजी क्लब के लेफ्ट हैंड सामने जितेंद्र जी चौधरी। हाँ, बॉलर आए हमारे मोगली हरियाणा से मोगली भाई। हाँ जी खींची जी बोलिए प्लेयर जो आओ खींची होंडा प्रत्येक छक्के पे 100 रुपए और सुमित जी बॉलिंग करवा दे करवाने की कोशिश करते हुए पहले मोगली जी का नाम आ गया था सॉरी वो क्या है थोड़े ग्राउंड में बॉलर की जगह आ गई थी इसलिए और सामने है लेफ्ट हैंडर जीतू शर्मा। तुम ले गई तो टीम लेने शानदार कट और सिंगल रन लिया श्री बालाजी क्लब मालपुरा ने और सुमित 12 ओवर का 1 रन मैच है भी दोस्तों ये 12 ओवर का मुकाबला होगा। बूंद बूंद से घड़ा भरेगा हरियाणा झज्जर झाड़ली फाइनल में से ही घड़ा भरता है दोस्तों। जबरदस्त खेल दिखाती हुई सुनो और 3 छक्के लगाने वाले को 54 में नगद यही मैदान में कान जी केड़ा वहां से करो कहाँ से कमेंट बोलो उनको बोलो आपको आप बोलो तो आप थोड़ी बोलो कहाँ पर कमेंट रूम और सामने कट करने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब और 22 रन की बॉल 5 ओवर की 2 बॉल कंप्लीट और इसके साथ राजस्थान और हरियाणा के सितारे आमने सामने बालाजी क्लब मालपुरा
नहीं भाई यूट्यूब पे लाइव नहीं है, ओनली फेसबुक पे लाइव है। बहुत जोरदार शॉट घुमाया राजेंद्र जी चौधरी ने। हरियाणा की आवाज बोल रही है भाई, जाओ दे मिलेगा मिलेगा। बहुत ही शानदार और ये मिस फील्डिंग के साथ ही ये 4 रन और रन इस 4 के साथ जरूर भाई लेग बाय का चौका आता हुआ मिस फील्ड के चलते 4 रन आते हुए। दो विकेट 5 ओवर प्रगति पे जीतेगा ये तो आने वाला व्यक्ति बताएगा भाई। शानदार सिक्स और छक्के के साथ राजेंद्र जी चौधरी को खींची होंडा की तरफ से 100 रुपए। जोरदार छक्का श्री बालाजी क्लब मालपुरा इस छक्के के साथ ही 5 ओवर की 5वीं बॉल पे शानदार सिक्स और हर छक्के पे 100 रुपए और माफी चाहता हूं। बहुत ही मिस्टेक हुआ छक्के पे टी शर्ट भी थी भाई साहब हमारे राधे जी स्पोर्ट राधे स्पोर्ट की तरफ से हर छक्के पे टी शर्ट एक गर्म करने के लिए एक और हमारे लाइव साथी समझ रहे हो उसी प्रकार दोनों के पास होते हुए भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपने हाथों में दानवीर बने हुए अंडे में कीपर एक तो टी शर्ट और एक शोर पे बहुत जबरदस्त राधे जी स्कोर शानदार हर चक्के पे 5 में 45 हो चुके हैं दोस्तों 5 और की समाप्ति पर स्कोर 45 रन 2 विकेट और ओवर कंप्लीट 5 ओवर की समाप्ति पे 45 रन 2 विकेट और इसी के साथ ओम जी थोड़ी देर हो डटो भाई हाँ अरे भाई कोई को खोलो रेखी खोलो यहाँ डांस देखने आए भाई का किसी का खोलो रेखी तो खोलो समझो जी जूती तो मार ना ले जाके भाई हूँ कत्ता प्यारा देखो कत्ता शांत बैठा जब बैठा हो तेरे मेज में खत्म है बाद यहाँ का यहाँ बैठे तो मजा आओ हाँ मेज खत्म होता है आनंद शुरू पर आनंद कोई को खुदा को मन से पाया हाँ आ जाओ तो फ्री में आ जाओ नहीं तो फूफा जी बैठे के ले लेते साइलेंट होके बैठो और मैच का आनंद लो। ओके सर ठीक है भाई साहब गलती हाँ पूरा मैच समाप्ति के बाद ही प्रोग्राम दिखाया जाएगा अपनी ईमानदारी से अपनी जगह पे बैठे रहे शानदार मालपुरा का शाना जब भाई बहन हाँ शाना भी क्यों जब इन समझा था यार का बुआ बात भी बनी तो जब बुआ जी ओडबा को जो बेटा मैं फूफा जी बेटा सुनू हाँ जी हाँ महावीर जी के इस गदगद कमेंट्री के बाद में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सराहनीय चरित्र की इंसान है ये अगर इनको सुने तो ऐसा लगता है सुनते रहिए दूसरों को सुनने का मन नहीं करता पर माफी चाहते हैं इस ओवर में मैं कमेंट्री करने वाला हूँ ओम प्रकाश गुजर एथलेटिक्स कोच मालपुरा जी हाँ छठे ओवर पर स्वागत है धन्यवाद सर बॉलर नेम अजय है अपने आखिरी ओवर की पहली बॉल और इसको स्टैट पे धकेला देखते हैं मोगली पकड़ पाते नहीं पाते जी हाँ मोगली ने फंदा और सीधे बॉलर के हाथ में गेंद और एक रन का इजाफा स्कोर में टीम का श्री बालाजी क्रिकेट का स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन 5.1 ओवर की समाप्ति बाकी संसद से भरा हुआ कोई कुछ नहीं कर सकता सबको पता है राजेंद्र चौधरी मौजूद है दोस्तों 5.1 और की समाप्ति पर स्कोर है 46 बेस्ट ऑफ लक राजस्थानी रजवाड़े जरूर भाई रमेश गुरुजी की ओर से यह संदेश आता हुआ
रमेश गुरु जी, जो कि अभी जो सूचना मिली है कि 2022 में सॉरी 2023 में जो है वो रमेश गुरु जी वापसी करने वाले हैं। इनामी राशि की घोषणा हुई है। अगर लगातार 3 छक्के लगते हैं तो विष्णु जी चौधरी की तरफ से 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसे बामा साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, 3 छक्कों पे 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। जी हाँ, लगातार 3 छक्के लगाने पे 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। एक बार फिर से चले अजय, ये प्रयास किया और बॉल और बल्ले के बीच में किसी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ। अजय बहुत ही किफायती बॉलर साबित हो रहे हैं, अपना तीसरा ओवर प्रकृति पे है। तीसरे ओवर की 3 गेंद फेंक चुके हैं, 17 रन दिए, 1 विकेट ले चुके हैं। लगभग पारी का इस मैच में पहली पारी का आधा गेम खत्म हो चुका है और 46 रन का स्कोर बोर्ड पे लगा हुआ है। में जुड़े हुए हालांकि ज्यादा नहीं है, पर हर एक दोस्त एक साथ तक ये मान सकते हैं ये टीम मुकाबला जो ज्यादा मेगा फाइनल मुकाबला इस भालपुरा प्रीमियर लीग का एक बार फिर से जी। और इसको मोगली की दिशा में खेला है राजेंद्र चौधरी ने और मोगली ने किसी प्रकार की कोई चूक नहीं की और एक सिंगल मिला राजेंद्र चौधरी के जो अपने निजी स्कोर 30 रन के स्कोर पे खेल रहे हैं। 24 बॉल 30 रन 5 चौके और 1 छक्के की मदद से, जो कि फाइनल में जो दबाव है वो देख सकते हैं हम। ये फाइनल का दबाव है, हमने देखा था यही राजेंद्र टाला जो कि 15 बॉलों में 55 रन बनाए थे पहले मैच में। कृपया ग्राउंड में ना, और ये उठाया है और अनिल मोटू ने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करी और जीतू शर्मा को लौटना होगा रास्ता दिखा दिया बालाजी को और 1 विकेट का नुकसान हुआ 47 रन के स्कोर पे। श्री बालाजी क्रिकेट क्लब मालपुरा का 4th विकेट गिरा है। जी हाँ, ये जीतू शर्मा बहुत ही आक्रामक शैली के बल्लेबाज माने जाते थे जिनका बल्ला आज चला नहीं, खामोश रहा। लो भाई दोस्तों, जिस प्लेयर का आपको इंतजार था वो प्लेयर आ चुका है, थोड़ा सा आ चुके हैं, जीत कड़वा सा आ चुके हैं। राजेंद्र डाला जैसे बल्लेबाज 24 बॉल पे 30 रन बना रहे हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि इस मुकाबले का एक साइकोलॉजिकल मानसिक दबाव कितना रहता है खिलाड़ी पे, क्योंकि यहाँ पे हजारों की संख्या में खिलाड़ी देख रहे हैं। अंतिम मुकाबला है इस ट्रॉफी का और ये अच्छे अपने ओवर की आखिरी बॉल अजीत भाई अजीत के लिए। एक टी शर्ट आपके लिए भी है, पीछे अजीत कारवासरा 5 नंबर की जर्सी के अंदर क्रीज पे उतरे हैं। अजीत कारवासरा एक नामी बल्लेबाज है, देखते हैं क्या करते हैं। 6th ओवर की अंतिम बॉल है ये भाई अजीत, इस बॉल को फेंकेंगे, देखते हैं क्या होता है इस बॉल पे। और इस ओवर की अंतिम बॉल अजीत के लिए, देखते हैं क्या होता है। और अजीत रिवर्स मारना चाहते थे, विफल रहे और बॉल और बल्ले के बीच में किसी और जुड़ चुके हैं भाई, विकेट की कप्तानों में 6 ओवर की समाप्ति पे भाई रिजवान चांद बिचड़ी से अजीत कड़वासरा फायर कर रहा है 47 रन। स्वागत है रिजवान भाई, 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है जो कि अभी करंट रन रेट चल रही है 7.83 की, उसके साथ से प्रोजेक्ट स्कोर 94 रन बनेंगे। अंतिम मुकाबला यानी कि फाइनल मुकाबले में 94 रन कम नहीं होते हैं, बहुत अच्छे रन होते हैं क्योंकि चूंकि दूसरी टीम जो और ये आज के अंपायर हमारे गणेश जी चौधरी इस मुकाबले के और ये दूसरे इस अगले ओवर की कमेंट्री के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे बड़े भाई महावीर जी काठोली को। जी सर, धन्यवाद। ये 70,000 दर्शक भरे हुए खचाखच मालपुरा नगरी मालदेव नगरी में 70,000 से एक आगे भी कम मामा श्री अजीत कड़वासरा चुके मारेंगे, अब जरूर देखेंगे प्रोग्राम दूसरा भी टीम हरियाणा और श्री बालाजी सुमित जी का ये सपोर्ट करने वाले चाहने वाले बिल्कुल बने हुए ग्राउंड पे भी और हमारे लाइव पे भी। और सुमित अपने कोटे का दूसरा करेंगे, मोगली मौजूद है वहाँ पे, एक गिरना पड़ेगा। सामने है मोगली, 48 रन 3 विकेट 7 ओवर की 1 बॉल पे। टूर्नामेंट जो चल रहा है वो मालपुरा में चल रहा है भाई, फाइनल मुकाबला है एमए का फाइनल मुकाबला। सामने 1,11,000 की ये दौड़ है, ये गेंद यॉर्कर गेंद सिंगल रन चुराते हुए और ओवर थ्रो का चांस, लेकिन फील्डर बहुत ही स्पीड में आते हैं और बॉल को कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, दोनों तरफ से मजा आए तो ही अच्छा रहता है, क्योंकि मैं भी हरियाणा में रह रहा हूँ 12-22-23 साल से,
मेरे लिए दोनों बराबर हैं। और शानदार कट मारते हो लेकिन बॉल के नीचे और ये दोस्तों इस बार राजेंद्र चौधरी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया भाई। एक और विकेट होता हुआ मोगली जरूर मौजूद है। ये विक्रम ने इसे कैच को लपका दोस्तों। चौथे विकेट का पतन होता हुआ 49 के स्कोर पे 12-12 ओवर का ये मुकाबला। और अब निश्चित तौर पे बल्लेबाजी कर 49 को मिल रहे हैं। इनाम दोनों तरफ से ही है 6.3 मजा दोनों तरफ से ही आना चाहिए। राजेंद्र चौधरी ये डाला भी जबरदस्त खिलाड़ी है जयपुर का झज्जर। अब आ चुके हैं डारा जी आ चुके हैं दोस्तों। वीरेंद्र डारा और अजीत कड़वासरा की ये जोड़ी मानेसर में लगभग देखा जाता है कि गेंदबाजों की जो वो कमर तोड़ के रख देती है। और ये जोड़ी मेरा हरियाणा से भी बहुत लगाव है 23 साल हो गए। और शानदार खिलाड़ी हरियाणा से निकलते हैं और राजस्थान से राधेश दोनों ही टीमें मालपुरा हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत ही राधेश स्पोर्ट्स के ओनर मालपुरा से। और बिल्कुल भाई संकट मोचन जो है वो आ चुके हैं क्रीज पे आ चुके हैं। 6.3 ओवरों की समाप्ति पर 49 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अभी अमित चीड़ा भी जो है वो स्क्वाड में बाकी है। सबसे बेहतरीन जोड़ी बिल्कुल आ चुकी है भाई के नाड़वा भाई साहब जो कि क्रिकेट के बहुत बड़े चाहने वाले। तारा जी का चमत्कार शानदार शॉट और सामने फील्डर और धकेलते बॉल को रोका और सिंगल रन ही प्राप्त हुआ 50 रन। इसी के साथ 50 टीम की अबे बैटिंग लाइन जो है वो बड़ी मजबूत है। रिजवान चांद भाई साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रमेश गुरुजी भी जुड़े हुए हैं। मालपुरा जो है वो टोंक जिले में पड़ता है दोस्त। टोंक जिले में पड़ता है मालपुरा जयपुर से लगभग 80-85 किलोमीटर है। पांच बॉल कंप्लीट सुमित जी हरियाणा झज्जर से चार्ली इनका ये इनका दूसरा ओवर। और ये शानदार शॉट और ये शानदार शॉट और ये कैच छूटा और ये अजीत कड़वासरा का कैच ड्रॉप कर दिया दोस्तों। अरुण डागर ने जो एक बड़े प्लेयर का यहाँ से कैच ड्रॉप कर दिया। निश्चित तौर पे कैच महंगा पड़ने वाला है दोस्तों टीम हरियाणा को क्योंकि कहीं ना कहीं अजीत कड़वासरा को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा सकती थी टीम हरियाणा। मौका बना था सुमित ने वो मौका बनाया था अपनी टीम के लिए लेकिन उस मौके को जो है वो यहाँ से बुना नहीं पाए। और अजीत कड़वासरा का कैच यहाँ से ड्रॉप होता हुआ दो कैच जो है वो एक दीपक चौधरी का और दूसरा कैच था अजीत कड़वासरा का। दीपक चौधरी जरूर इतने महंगी साबित नहीं हुई लेकिन ये वो बल्लेबाज है जो अंतिम के ओवर में दोस्तों गेंदबाज की जो वो कमर जो वो एकदम से तोड़ के रख देते हैं। और इस बड़े प्लेयर का इस खिलाड़ी का इस हरपन वाला खिलाड़ी का यहाँ से कैच ड्रॉप किया। हरियाणा की बॉलिंग राजस्थान की बैटिंग तकड़ी है जरूर भाई। हरियाणा की बॉलिंग वर्सेस राजस्थान की रजवाड़ों के बंदे बैटिंग का ये चैलेंज होगा वो बड़ा ही रोचक होगा। 120 का लक्ष्य जाएगा जयपुर टीम का। देखते हैं भाई अभी जो है 7 ओवर में 51 हो चुके हैं 5 ओवर अभी भी आने से ऐसे। और नवीन अपने कोटे का अंतिम ओवर करेंगे तीसरा ओवर करेंगे नवीन पहली बार ऐसी प्रतियोगिता हो रही है। और कोटे का तीसरा और पारी का 8वां ओवर नवीन के द्वारा नवीन भाई बोल रहे हैं हरियाणा जीतेगी। देखते हैं कौन सी टीम इसको लेकर से बाजी मारती है तो देखते हैं कितने रन ले पाते हैं। खिलाड़ी ने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करी और एक रन बाकी फोर ओवर में पूरा किया। और इसी के साथ में स्ट्राइक है विजेंद्र डारा 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 राजस्थान टेनिस बॉल में इनका नाम चलता है डारा। नाम ही काफी है देखते हैं आज कितना कमाल करते हैं। श्री बालाजी क्रिकेट क्लब मालपुरा की तरफ से खेल रहे हैं बहुत ही होनहार विस्फोटक बल्लेबाजी से। 130 का टारगेट हमारे दर्शक बता रहे हैं देखते हैं कितना क्या
जो है वो यहाँ से टारगेट जाता है। ये गेंद हल्का ने इसको लेग साइड में खेला है, आगे खिलाड़ी मौजूद है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करी और भाग्य डारा ने अपना किसी प्रकार की कोई अपना एक रन पूरा किया और डारा अपने निजी 3 रन के स्कोर से 5 ओवरों के सामना करने के बाद में। जी हाँ, डारा श्री बालाजी क्रिकेट क्लब में 2 ऐसे खिलाड़ी एक डारा और एक डाला बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है। जी हाँ, ये डॉट बोल रही है इस बार जरूर उतना टेक के जो वो गेंद को बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन अजीत कड़वा सर इस बार हरियाणा के चचा कामयाब अपने मंसूबों में और हरियाणा के इसी के साथ में एक जोरदार घोषणा हुई है लगातार 2 छक्कों पे सभी साथियों का धन्यवाद। ₹200 इनाम जिन भी साथियों को मिले वो स्टार 75 स्टार मिलते हैं दोस्तों लाइव स्ट्रीम के दौरान, तो वो स्टार जिन भी साथियों को मिले वो जरूर सेंड करें और सपोर्ट करें पेज को। किसी प्रकार के रन में कोई इजाफा नहीं है, अंतिम ओवर चल रहे हैं, दर्शक चाहते हैं कुछ बाउंड्रीज लगे इस मैच में, कुछ ऐसा हो जिससे दर्शक तालियां बजाए, दर्शक झूम उठे, दर्शक खिलखिला उठे। सही कह रहे होंगे, बहुत देर से छक्का और चौका नहीं देखा। जी हाँ हाँ भाई साहब, ये जो तारा है अजीत है बहुत ही विस्फोटक शैली के बल्लेबाज है, पर अभी तक इनके बल्ले का मुख खुला नहीं है। और ये भागे लेग साइड में धकेला गोल को 1 रन पूरा लिया। और आप जो ये एलईडी पे लाइव प्रसारण देख रहे हैं नगर पालिका मंडल मालपुरा की तरफ से दिया गया, बहुत बहुत आभार आपका। जब भी इस गांव में खेल और खिलाड़ी की बात होती है तो नगर पालिका बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, जो रहा वो बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक खिलाड़ी के रूप में आपका बहुत बहुत आभार आपका बहुत आभार व्यक्त करती है इस प्रोग्राम में इस तरीके का सहयोग देने के लिए। अगली बॉल इस विकेट पे जो रन बनाने हैं वो काफी मुश्किल है दोस्तों, एक तो मिट्टी की पिच है और उठा के मारना चाहते थे और बॉल ज्यादा दूर जा नहीं पाई है, 30 गज के यार्ड के अंदर रही है। बॉलर नवीन ने बॉल को कलेक्ट करी और 1 रन भाग्य पूरा किया और 8 रन की 8 ओवर की समाप्ति पे 8 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 55 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे, देखते हैं बाकी के ओवर्स में खिलाड़ी कितना क्या कर पाते हैं। दोस्तों यहां से 8 ओवर का जो गेम है वो समाप्त हो चुका है, आपको मैं बता दूं अंतिम 24 गेंदे जो है वो यहां से शेष रह चुकी है। इस प्रतियोगिता के अंदर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहेगा उसको दी जाएगी एलईडी टीवी, जो एलईडी टीवी दी जा रही है, ये एलईडी टीवी दी जा रही है नगर पालिका मंडल मालपुरा की तरफ से, बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं खेल के हिसाब से, हेल्थ और वेलनेस को बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हैं। जब भी खिलाड़ी इनसे मिलने जाते हैं तो सारी मीटिंग साइड में रख देते हैं, पहले खिलाड़ियों से मीटिंग करते हैं। जब मैंने 2-3 बार इनसे मिलने की बात करी तो सबसे पहले इन्होंने मेरे को समय दिया और ये जितने मोमेंटोज है ये भी इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। हमारे सामने बैठे हैं मणिशंकर जी भाई साहब, हमारी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, रणवीर पहलवान के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता है मणिशंकर जी शर्मा मालपुरा, धन्यवाद। जी हाँ, चाय की मांग हो रही है दर्शकों की, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं नगर पालिका मंडल की तरफ से चाय पानी की व्यवस्था की, दर्शकों की चाय की व्यवस्था करे करूंगा। और ये टी ब्रेक में और विक्रम अगली बोल और महावीर जी भाई साहब से निवेदन करूंगा आप कमेंट कर रही अगली बोल, धन्यवाद। के नाड़ो भाई साहब बोल रहे हैं 4 ओवरों में 48 रन आएंगे, देखते हैं भाई। पहली गेंद पे जो है वो सिंगल आया, मिट्टी की पिच है, रन बनाने मुश्किल है, बॉलिंग जो है वो शानदार होगी जरूर होगी टीम हरियाणा के पास जो है वो अच्छी गेंद। 56 शानदार प्रदर्शन और धन्यवाद इस राजा मालदेव नगरी के जो 70,000 दर्शक मौजूद इस मैदान में, उनका सबसे पहले धन्यवाद। दिन का बाद से विक्रम थोड़ा कांगड़ा ने माया कर लियो बाउंड्री के बाया मतलब नोशु खान 56 रन श्री बालाजी क्लब मालपुरा के 4 मैच मालपुरा में हो रहे हैं दोस्त, मालपुरा के अंदर हो रहे हैं मुकाबले। विक्रम भाई के हाथ में बॉल, शानदार शॉट और 2 खिलाड़ियों के बीच में से शानदार 4 रन,
इस चार रन के साथ 360 रन बहुत ही बढ़िया। बिना चौके छक्कों के आनंद आएगा नहीं। राधेश बोर्ड की तरफ से जबरदस्त। मैं बोलना चाहता हूं कि अगर दूसरा छक्का भी एक और लगे तो विजय कंप्यूटर की तरफ से 200 रुपए नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। खींची होंडा के हर छक्के पे 100 रुपए और राधेश बोर्ड की तरफ से टी शर्ट जबरदस्त। ऐसा ही मैच चलना चाहिए। मैं चाहूंगा कि ये चीजें नोट करते रहे, खिलाड़ियों को ये पुरस्कार जो बोले गए इनको दिए जाए। अरे बोलेड़ा केवला की चिंता मत करो। शानदार चार रन चौके के बाद एक बड़ा छक्का आता हुआ अजीत करवासरा के बैट से, एक और शॉट गेंद उसे मारा है, मोगली मौजूद है पीछे, लेकिन रन मिलेगा इस बार जरूर, एक संतुष्ट होना पड़ेगा। एम्पायर का इशारा, नो बॉल का इशारा आता हुआ दोस्तों, फ्री हिट मिलेगी, नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का, बहस हो रही है, देखते हैं एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। कप्तान के अलावा कोई भी वहां फील्डर मौजूद नहीं हुए, कप्तान के अलावा, जी हां मोगली अगर आप कप्तान हो तो कप्तान वहां जाए, दूसरा खिलाड़ी वहां पर नहीं जाए। शो हैज बीन स्टार्टेड, मुकाबला है, दर्शकों में से कोई अंदर नहीं जाएगा कप्तान के अलावा। जी हां हरियाणा जज टीम जो आई है अपने अनुशासन का परिचय देवे, जो एम्पायर ने जो निर्णय दे दिया वो अंतिम निर्णय होगा। ओम जी कृपया दर्शक अपना संयम बना रखे, ये अपना अपने गांव की गरिमा का सवाल, अपने गांव में पहली बार ऐसी कोई प्रतियोगिता हो रही है जहां पर इस टोंक जिले में पहली बार 1,00,000 से ऊपर की प्रतियोगिता हो रही है। आप देखें इस निर्णय पे जो संतुष्ट है, मैं चाहता हूं कि एक बार दोनों निर्णय के निर्णय को मिलकर देवे कर लेने तो यार आप जी भाई साहब से बोलो। इसी बीच जी हाँ रंगारंग जी हाँ एम्पायर का अंतिम निर्णय है, नो बॉल और फ्री हिट, कृपया दोनों टीमों के लिए बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय रहेगा। आप इस चीज का संदेह न करें कि एम्पायर किसी एक टीम के पक्ष में है। हरियाणा जज ढाली की टीम पिछले चार दिनों से यहाँ पर आप देख रहे हो, प्रत्येक मैच में जो निर्णय लिया जा रहा है सबके लिए समान लिया जा रहा है, कृपया आप सहयोग करें, आपके साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ, आप आराम से खेल को खेलिए, खेल की भावना से खेलिए। मोगली जो कि बहुत ही एक्टिव खिलाड़ी, प्रत्येक एक एक गोल का हिसाब रखते हैं गेम के अंदर, मोगली अगर मेरी आप बात सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल आपके साथ में न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा इस मैच में। मालपुरा की इस पावन धरती राजा मालदेव की नगरी के अंदर कभी भी इस तरीके की कोई घटना नहीं होती जिसके अंदर बाहर से आई भी इतनी निराश होकर जावे। जी हाँ अगली गोल के लिए महावीर जी से काटोली कमेंट्री करें प्लीज। महावीर जी रुबे अंपायर का डिसीजन है वो फाइनल है, नो बॉल करार दी गई, फ्री हिट मिलेगी वीरेंद्र डारा को, डारा जी को फ्री हिट का सामना और रिवर्स में निकालना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। दो छक्के पे लगातार, दो छक्के पे 200 रुपया विजय कंप्यूटर की तरफ से, धन्यवाद। तारा ने अपना विकेट खो दिया है, श्री बालाजी क्रिकेट क्लब मानसा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी हाँ मैं जानता हूँ इस विकेट का
पतन हुआ, इसका कितना बड़ा नुकसान है श्री बालाजी क्रिकेट क्लब मालपुरा को। दारा एक नाम आना बहुत ही जाना पहचाना है, पिछले एक दशक से मैं इनका नाम सुनता आ रहा हूँ, बहुत ही विस्फोटक शैली के बल्ले बाहर के अलावा इस पूरे टूर्नामेंट में ऐसे कोई बल्लेबाज नजर नहीं आए जो अपने नाम के हिसाब से प्रदर्शन कर रहे हैं। जितने भी नामी जामे बल्लेबाज है ज्यादा कुछ खास कर नहीं पा रहे, एक राजेंद्र डाला जो अभी कुछ करके गए हैं तो उनका औसत है वो इतना खास नहीं रहा, फिर भी इन्होंने विकेट को रोक के रखा है। 12 ओवर का मैच है, बने रही है हमारे सामने आखिरी बॉल। भाई साहब महावीर जी आप ही कराओ कराओ, अच्छा लग रहा है। जी जी धन्यवाद सर, आपको अच्छा लग रहा है यकीनन, और दर्शकों को भी अच्छा लग रहा होगा। अगर दर्शक मेरी कमेंट्री से खुश है तो एक बार जोर से हल्ला कर दीजिए प्लीज। और इसको घूम के रिवर्स खेला है अनिल मोटू के पास में बॉल गई है, किसी प्रकार के रनों में कोई इजाफा नहीं, 5 विकेट के नुकसान पे 68 रन जो कि 7.70 की रन गति अभी चल रही है। और आगे की ओवर की कमेंट्री के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री महावीर जी भाई साहब काटोली वाले जो कि एक अफवाह के रूप में बिहारी में कुछ डायलॉग्स मारे, हमारे स्थानीय दर्शक जो आपकी एक मधुर आवाज के लिए तरस रहे हैं कुछ अच्छा बोले। महावीर जी भाई साहब फोन को काटे आप, 68 एक्स आर्मी शिवराज जी चौधरी हमारे बीच में आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ अगर मेरी आवाज सुन पा रहे तो मेरे पास में आए राकेश जी शोधपी आपको याद कर रहे हैं एक्स आर्मी विक्रम का काम पूरा हो बिल्कुल है। मैं आपके पास में आ रहा हूँ आराम से आपकी आवाज खिलाड़ी तक पहुंचाऊंगा बिल्कुल। विक्रम ने अब जो है दोस्तों अंतिम 18 गेंदे शेष रह चुके हैं इस प्रतियोगिता के अंदर, दोनों हार्ड हिटर बैट्समैन इस वक्त क्रीज पे मौजूद है अजीत कडवासरा और अमित जांगिड और गणेश चौधरी चीड़ा जो कि मेरी पंचायत से, और अजीत कडवासरा इस समय क्रीज पे मौजूद। धन्यवाद ओम जी, और शानदार बॉलिंग और सिंगल रन के साथ उनहत्तर रन 5 विकेट श्री बालाजी क्लब मालपुरा। लास्ट ओवर प्रगति पे और सामने है अमित जी जांगे, छक्के का इंतजार। जरूर भाई फ्री वाले स्टार जिन भी साथियों को मिले 75 स्टारों का गिफ्ट मिलता है वो जरूर सेंड करें, फेसबुक की ओर से मिलता है दोस्तों, तो वो गिफ्ट जिन भी साथियों को मिले वो जरूर सेंड करें और सपोर्ट करें पेज को। इस एक रन के साथ 70 रन 2 विकेट 5 विकेट पूरा से लाइव में जुड़े हुए हैं दोस्तों हमारे साथ में, 2 बॉल 70 रन 5 विकेट पूरा प्रीमियर लीग का ये फाइनल है मेगा फाइनल मुकाबला लेकर। बारह ओवर का ये मुकाबला है, फील्डिंग थोड़ी खराब रही है जरूर भाई, कैच ड्रॉप हुए ऐसे और ये लीजिए भाई ये होते हैं ऐसे, इंतजार भी नहीं किया जीत कडवासरा ने और जैसे ही गेंद कीपर के हाथ में गई सोच समझ के ये बिना सोचे समझे जो वो बाहर की तरफ जा रही है, असली स्पोर्ट्समैन की यहां से निशानी देते हुए आपा ना खोए, क्या खूबी है भाई इस बल्लेबाज की सूझबूझ से, अरे वाह जोश में जोश ना खोए बिल्कुल ताकि अच्छे रन बने और यहां से बढ़िया स्कोर होगा तो दूसरी टीम को खेलने का आनंद आएगा। तो 4 विकेट शेष है श्री बालाजी क्लब, 70 रन बल्लेबाजी करने आ चुके हैं महेंद्र आ गए हैं, हाँ हीरो होंडा खींची होंडा की तरफ से 2 छक्कों पे 1100 रुपए लगातार 2 छक्कों पे शानदार बहुत ही बढ़िया, और 1 छक्के पे 2 छक्के पे 2 टी शर्ट
हमारे राधे स्पोर्ट जी की तरफ से धन्यवाद। शानदार श्री बालाजी 70 रन हो चुके हैं, अंतिम 70 रन से शेष रह गया। कसम और प्रगति पे तीनों बॉल हो चुकी है, अंतिम 15 गेंदे का जो खेल है दोस्तों अब शेष रह गया। गुड सुमित भाई जरूर भाई, दो सब महत्वपूर्ण सफलता दे और क्लीन बॉल इसी के साथ गेंद पे जो है दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ बालाजी हरियाणा की ओर से होश नहीं होना चाहिए। अभी इसके बाद दो और दो बॉल बची हुई है, काफी रन बनाने हैं, अपना जो शुरू का जो प्रदर्शन दिखा रहे हो दिखाना चाहिए और श्री बालाजी क्लब को बहुत ही सूझबूझ से रन बटोरने चाहिए। 70 रन 7 विकेट और सुमित जी ने ये 3 विकेट लिए तीसरे ओवर में, 3 विकेट 15 रन लेके और शानदार मैच चलता हुआ। दर्शक जबरदस्त जोश में हरियाणा को भी सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ ये ट्रिक बॉल है, ये अगर कोई इस पे इनाम की बौछार करना चाहे सुमित जैसे होनहार खिलाड़ी के लिए तो आप कर सकते हैं। खुशी रोजगार की तरफ से 500 रुपए अगर हैट्रिक विकेट होती है तो शानदार भाई। खुशी रोजगार बहुत ही हसमुख किस्म के प्यारे गोल बोल गुलाब जामुन जैसे भैया और 500 रुपया हैट्रिक लतिक भाई पार्षद में मतलब की तरफ से ये शानदार सिक्स और ये खींची होंडा का 100 रुपये गया, खींची होंडा 100 रुपये गए और राधे जी की टी शर्ट शानदार जबरदस्त। ऐसे ही छक्कों की बरसात होगी, आनंद आएगा और खींची होंडा फिर 22,000 के करीब पहुंचते हुए 22,000 के करीब पहुंचते हुए खींची होंडा और राधे भैया टी शर्ट की बौछार करते हुए शानदार। नीरज जी शर्मा का शानदार सिक्स बहुत ही बढ़िया। दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि कृपया बाउंड्री से बाहर रहे और नीरज शर्मा ने जरूर खाता जो है वो अपना 6 के साथ खोला। अंतिम गेंद करेंगे सुमित अपने कोटे की और ये और ये बॉल छूटी हुई फील्डर उसके साथ सिंगल रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा और एक रन लिया। बहुत बढ़िया फील्डिंग श्री बालाजी कवर क्लब कवर करते हुए। सुनो पूरा मैच खत्म होने के बाद दर्शक अपनी रजाई गूदड़े लेके बैठे हैं, आनंद आएगा, बहुत रंगारंग प्रोग्राम होगा शानदार। जी हाँ भाई साहब वो कहते हैं कि अपने हौसलों की आग ऐसी रखनी होगी कि कामयाबी का लोहा पिघल जाए, अपने हौसलों की आग ऐसी रखनी होगी कि कामयाबी का लोहा पिघल जाए। हौसले बनाए रखे बालाजी क्रिकेट क्लब मालपुरा, हौसले बनाए रखे, अभी तक कुछ अंतिम ओवर्स बाकी है। हाँ जी दिनेश जी पहाड़िया के 2 छक्के पे 500 रुपए जबरदस्त तालियां धन्यवाद। और ये घुमा के मारना चाहते थे किसी प्रकार के रनों में कोई जापानी नहीं। 77 रन हुए हैं, 11वां ओवर प्रगति पे हो गया, 12 ओवर का ये फाइनल मैच है। दर्शक चाहते हैं कि इस मुकाबले में कुछ और बाउंड्रीज आए, मनोरंजन बढ़े। स्थानीय दर्शक हरियाणा की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं जो मेरे बिल्कुल बाएं तरफ बैठे हैं, बहुत गजब देखने को ऐसा मिलता है। अगली बॉल और उठा के मारना चाहते थे नीरज शर्मा, फिर इस तरीके से बीट हुए और ये रन आउट होने से बाल बाल बचे। नीरज शर्मा भाग्य बोलोत्र में अपना एक रन पूरा किया और इसी के साथ में स्कोर में इजाफा हुआ 78 रन 7 विकेट के स्कोर पे 10.2 ओवर की समाप्ति पे और रन गति जो चल रहे अभी 7.55 की है, इसके साथ से प्रोजेक्ट स्कोर 91 रन बनेंगे।
बिल्कुल 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 विक्रम कमी चिड़ा हो गया दोस्तों इस बार स्ट्राइक पे अजीत चांगिड़ के सामने और ये वाइट बॉल का इशारा देखा जाए तो पहली बार की तरफ से बहुत देर बाद पहली बार आई बिल्कुल बिल्कुल अतिरिक्त रन नहीं आ रहे इस मैच में और उठा के मारना चाहते थे खिलाड़ी बहुत बुरे तरीके से पीटे हुए हमें चांगिड़ देखते हैं इस मुकाबले में कहां तक क्या कितने मोड आते हैं स्थानीय दर्शक में देख पा रहा हूं जहां तक अरुण डागर के पीछे खड़े हुए जो इरफान भाई क्या होता है इस हरियाणा की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं जुड़ते रहे सभी साथी इस मुकाबले में जुड़ते रहे वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ते रहे एक बार फिर से इस बार आगे निकल के मारना चाहते थे बॉल हवा में खिलाड़ी ने डाई मारा बहुत अच्छा प्रयास असफल हुए पर जब तक खिलाड़ियों में क्रीच उठाते हुए दो रन पूरे करें और अगली घोषणा आई है अगली बॉल पे अगर विकेट आता है तो मेरी ग्राम पंचायत देशमा के सरपंच रामचरण जी चौधरी द्वारा 1100 रुपए के नकद पुरस्कार दिया जाएगा भाई विक्रम को विक्रम इसी के साथ छक्के के लिए 500 रुपए वाह भाई और रिवर्स में मारना चाहते थे व्हाइट बॉल का इशारा निर्णायक बावर सैनी द्वारा ये व्हाइट बॉल है इसको नहीं माना जाएगा अगली बॉल में अगर जो विकेट आता है विक्रम अगर हरियाणा की टीम के जो स्पिनर है बहुत ही दिग्गज स्पिनर है हालांकि पिछले मैच में इनको मेरे ऑन ग्राउंड के पठान ने खूब मारा था एक ओवर में 24 रन लिए थे और घुमा के मारना चाहते थे और एक बार फिर व्हाइट बॉल जी हाँ अभी तक तो ये बॉल काउंट नहीं की जाएगी अगली बॉल पे भी अगर जो विक्रम विकेट ले पाते थे इनको 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा हमारे राम देशमा के रामचरण जी चौधरी द्वारा और अमित जी जांगड़ भी तैयार रहे एक टी शर्ट और एक 500 के लिए जी हाँ महावीर जी सही कह रहे हैं एक टी शर्ट और 500 रुपए के नगद पुरस्कार के लिए अमित जांगड़ भी तैयार रहे अभी राम गति पे थोड़ा रन गति पे इनको लग गया है 7.78 की रन गति है देखते हैं अगली बॉल भी क्या होगा और ये बॉल और उठा के मारना चाहते थे खिलाड़ी फीट हुए बुरी तरीके से दूर से पट्टी तो हो रहा था तो वाइट बॉल हो सकती पर निर्णायक ने इस बॉल को वाइट नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं जो निर्णायक निर्णय करेंगे वो सर्वमान्य होगा हमारे कहने से कुछ नहीं होगा जी हाँ बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला इस मालपुरा की पावन धरती राजा मालदेव की नगरी पे और ये अगली बॉल विक्रम के ओवर की आखिरी बॉल ये और आगे बढ़ के मारना चाहते थे देखते क्या होता है और ये अतिरिक्त रन और व्हाइट बॉल भी हुई है जी हाँ निर्णायक धवर सैनी द्वारा व्हाइट बॉल करार दी गई जिसको बिल्कुल मानना पड़ेगा खिलाड़ियों को क्योंकि ये अंतिम मुकाबला चल रहा है यहाँ पे बहुत ही अनुभवी और सीनियर निर्णायक हमारे बीच में जी हाँ ऐसे मुकाबले बहुत कम देखने को मिलते हैं जो कि मालपुरा में हो रहे हैं हम सौभाग्यशाली हजारों की संख्या में यहाँ पे दर्शक मौजूद है 70,000 बिल्कुल जरूर भाई विक्रम ने जो टी शर्ट और उठा के मारने का प्रयास किया बॉल बिल्कुल ग्राउंडेड जा रही है मोगली की तरफ बॉल गई है और मोगली ने एक हाथ से पकड़ा सीधा भाई के द्वारा विकेट के पर के हाथों में बहुत ही शानदार के प्रहारा ओवर की समाप्ति हुई जरा ओवर की समाप्ति पे 86 रन 7 विकेट के नुकसान पे अंतिम 6 बॉल शेष रही है भावी जी 3 बॉल कमेंट्री करेंगे और 3 बॉल में कर रहे हैं स्क्रीन पे अभी दोस्तों 100 के फॉलोवर होने के बाद जो है गिफ्ट मिला था होंडा 2 छक्कों पे लगातार 2 छक्कों पे 1100 रुपए खींची होंडा और 2 टी शर्ट राजेश कोट भैया की जी हाँ एक और घोषणा हुई है अगर लगातार 2 छक्के लगते हैं अगर लोग लगातार 2 छक्के लगाने में सफल होते हैं बालाजी क्रिकेट क्लब मालपुरा के खिलाड़ी जो कि स्ट्राइक पे अमित जांगिड़ रहेंगे अगर 2 छक्के लगातार लगाते हैं अमित जांगिड़ करे चाहे नीरज शर्मा करे तो राजेश जी की तरफ से अजमेर रोड पेट्रोल पंप पे कार्यरत कर्मचारी है ये बहुत ही दरिया दिल ऐसे लोगों को सलाम करता हूँ मैं राजेश जी की तरफ से 200 रुपए का नगद पुरस्कार लक्की बाय
अच्छा हाँ, जी हाँ, इसके साथ में ही एक घोषणा और, ये लगातार दो छक्के लगाते हैं तो अतीक जी पार्षद की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अगर कोई बोलना चाहे सज्जन तो अभी भी बोल सकता है। जी हाँ, मौका अभी तक तो बोल रहे हैं। हरियाणा टीम के लिए भी नाम बोले गए हैं, विकेटों पे नाम बोले गए। दो विकेट पे 1100 रुपए टोडे वाले भाइयों की तरफ से नगद। अगर लगातार दो विकेट लेते हैं तो टोडे की तरफ से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। फोन आ गया भाई, फोन आ गया। 3 छक्कों पे 21,000 रुपए। फोन आ गया। 3 छक्कों पे 21,000 रुपए। ये बहुत ही 21,000 रुपए। मैं जानना चाहता हूँ 21,000 रुपए देने वाले सचिन कौन है। किसी होंडा और उसके पार्टनर जबरदस्त बहुत ही मुकाबले देखने को बहुत है। बॉलर के रूप में आए लियाकत अली बॉलर है और इनामों की बौछार है हमारे सामने हमारे बड़े भाई बाबा जी। आप होने कुछ अंतिम ओवर ये दोस्तों, 5 गेंदे रहते, 5 गेंदे शेष यहाँ से अंतिम ओवर है इस बारी का। और बहुत ही मारना चाहते थे बॉल, बड़ी अंधेरी तरीके से बीच में बॉल और बल्ले के बीच में किसी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ। बॉल सीधी विकेटकीपर के दस्तानों में। 86 रन लियाकत अली की बहुत शानदार और सटीक बल्ले गेंदबाजी, बल्लेबाज बहुत अच्छी तरीके से बीट में। नीरज शर्मा 112 तो नहीं बढ़ सकते, 4 गेंदों में 4 छक्के लगते हैं तो भी 86 रन 7 विकेट 12 ओवर की। शानदार कट मारते और ये बाउंड्री 4 रन के लिए जबरदस्त 90 रन। शानदार चौका 90 हो चुके हैं दोस्तों। अंतिम 3 गेंदे शेष और करेंगे नीरज शर्मा। अंतिम 3 गेंदे शेष रह चुके हैं यहाँ से लियाकत अली। ये पहली इनिंग्स चलती हुई है, पहली इनिंग्स के अंतिम 3 गेंदे इस बार ये छक्का मिल जाएगा। पर 500 रुपया टी शर्ट जमा के राजेश पोर्ट की तरफ। अरे सुने, 500 रुपया कीजिए होना टीचर पर। अजी देखो साहब, आग लो एक छक्को और लाग जाए ना तो 21,000 की घोषणा भी कर रखी है आपने। जी हाँ, और इस मैच के इस पारी के तुरंत बाद दोनों श्री बालाजी क्रिकेट क्लब बालपुरा के खिलाड़ी और चचा झारली जो कि उत्तर भारत एनएचए आई हुई टीम है, वो दोनों टीमें मैदान में रहे। हमारे इस प्रतियोगिता के स्पॉन्सर पार्षदगण और समिति के लोग और चेयरमैन पर्सन हमारे आपसे परिचय करेंगे और यहाँ पर जितने भी समाज सेवी जो अभी समिति के द्वारा नाम लिखे जाएंगे अभी नामा हमारे जो नगर पालिका चेयरमैन है महावीर जी लामा जो आए। अंतिम 2 गेंदे शेष रह चुके हैं, 96 हो चुका है। 2 गेंदे देखते हैं, 2 गेंदों में कितना स्कोर बनता है। एक बार फिर से लाला आइए, एक छक्का बाकी और 21,000 रुपए। महावीर जी, मैं आपको याद करना चाहता हूँ, 21,000 रुपए की घोषणा करी थी, फिक्र नहीं जाने की बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है। ये ऑनलाइन चल रहा है, सारी कमेंट्री ऑनलाइन, अगर आप इसको देखेंगे भी नहीं तो ऑनलाइन। अगली बॉल बिल्कुल बिल्कुल श्री बालाजी की लंबाई है। दर्शक मैदान में नहीं आए, करना चाहिए 21,000 रुपए।
जिन्होंने अंतिम तीन गोलों में तीन छक्के लगाए हैं उनके लिए जो इनाम की घोषणाएं की गई है, अगर यहाँ पर किसी ने अभिनय नहीं किया होगा तो हम देख लेंगे, जिस जिसने घोषणा करी है उन लोगों से हम पैसे वसूल करके आपको दे देंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, नगर पालिका पार्षद जन हमारे भाई अगर उपस्थित हो तो आए हमारे खिलाड़ी से आपका परिचय करवाएंगे। बिल्कुल आपको और मैं चाहता हूँ कि उस टाइम में खिलाड़ी जो भी खड़े हैं वो कृपया मिशन के धारण किए होंगी और मिशन से भी है और टोटल जो रिश्तेदार की जो गोथियाँ कम्प्लीट कर रखी है वो भी सब टोटल टोटल बिल्कुल। और ये जो मैदान के अंदर है सारे भाई, हेलो दोनों भाई प्लीज बाहर निकलो, सभी के मिला के सबसे चार दिखे दे प्लीज। स्थानीय प्रोग्राम है हमारे गांव में, पहली बार ऐसी कोई प्रतियोगिता हो रही है। आप पात्र पार्षद और नगर पालिका मंडल वहां पे पहुंचे और मैं चाहता हूं दोनों टीम के कैप्टन अपने खिलाड़ियों को लेके एक लाइन अप करें, बिल्कुल सिंगल लाइन बनाए जैसे और टॉस के टाइम में इनका परिचय किया गया था उस तरीके से। मैं चाहूंगा हरियाणा की टीम चाचा चार्ली जो आई है अपने खिलाड़ियों को एक जगह लाइन अप करें। नागर अगर मेरी बात सुन पा रहे हो, सुमित अगर मेरी बात सुन पा रहे हो प्लीज अपनी खिलाड़ियों को लाइनअप बनाए। डारा अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं, डाला अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपने खिलाड़ियों को लाइनअप करें। हमारे स्पॉन्सरगण नगर पालिका मंडल पार्षदगण और इसी प्रोग्राम की समिति के और इस आयोजनकर्ता हमारे मामा साहब से परिचय लेना चाहते हैं। ऐसा बहुत कम मौका मिलता है गाँव के अंदर इतनी बड़ी प्रतियोगिता होती है जिसके अंदर सारे हजारों की संख्या में दर्शक। थैंक यू जी, धन्यवाद। दोनों टीमें लाइन अप हो जाए प्लीज। इस समय मैं निवेदन करूंगा श्री महावीर प्रसाद जी नामा पटनागढ़ जी जो लाइव कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा वहाँ से लोकेशन चेंज करके ग्राउंड के बीच में जाएं। महावीर जी नामा इस समय इंट्रोडक्शन के लिए आ रहे हैं। हरियाणा जज टीम और बालाजी टीम को मैं बताना चाहूँगा इस समय आपके पास जो इंट्रोडक्शन करने के लिए जो शख्सियत आ रही है उनका नाम श्री महावीर प्रसाद नामा है। मालपुर नगर पालिका मंडल की चेयरपर्सन श्रीमती आशा महावीर नामा के आप पति हैं, प्रबुद्ध समाज सेवी हैं, एक प्रबुद्ध समाज सेवी है, व्यापारी है आप और इस समय स्वयं आपके पास परिचय के लिए आए हैं महावीर जज्जर। हरियाणा जज्जर टीम और बालाजी टीम का इंट्रोडक्शन लेते हुए इस समय जो लाइव टेलीकास्ट यहाँ से किया जा रहा है राज फीवर क्रिकेट फीवर के द्वारा लाइव हो रहा है, उनसे निवेदन है कृपया इसको आप कवर करें। सो बहुत बढ़िया मैच। इसी के साथ मैं परिचय के साथ में वापस जो इस मैच का शेष भाग है वो चालू हो जाएगा। नहीं नहीं अभी कुछ इसको पूरा हो जाएगा। इंट्रोडक्शन उसी के साथ में साथ के साथ इस मैच का आधा भाग शुरू हो जाएगा। महावीर जी नामा परिचय लेते हुए खिलाड़ियों के साथ में बहुत बढ़िया खिलाड़ी यहाँ पर आयोजन कर की इजाजत रही है। खिलाड़ियों श्री महावीर जी नामा दीपक जी और नगर पालिका के अन्य पार्षदगण साथ में अभी मैन ऑफ द सीरीज को जो एलईडी दी जाएगी वो भी नगर पालिका मंडल मालपुर के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ये लाइव टेलीकास्ट जो आप इस समय देख रहे हैं ये भी नगर पालिका ये एलईडी सामने लग रही है बड़े प्रदर्शन के लिए भी नगर पालिका मंडल मालपुर के द्वारा है। इस ग्राउंड के ऊपर सारी सफाई व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सब नगर पालिका मंडल मालपुर के द्वारा की गई है। इस पूरे आयोजन के दौरान बहुत बढ़िया सहयोग और नगर पालिका चेयरपर्सन के प्रतिनिधि के रूप में प्रबुद्ध समाज सेवी के रूप में महावीर जी ने भी परिचय प्राप्त किया। और लीजिए वापस इस मैच का खेल भाग
यहाँ से शुरू हो रहा है। बाकी की जानने अगर खिलाड़ियों का तरीका और कोई ग्राउंड में फिर मैं बाहर आ जाए वापस। खिलाड़ियों का तरीके की कोई अन्य ग्राउंड में आ गया तो सबसे निवेदन है वापस कृपया आप ग्राउंड के बाहर आ जाए प्लीज। तो लो भाई दोस्तों, एक बार फिर से इस मुकाबले में हम लौट आते हैं। 109 रनों का जो है वो यहाँ से टारगेट मिला टीम हरियाणा को। पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था और उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत साबित होती हुई टीम हरियाणा। एम्पायर प्लीज अगले कमांड दे, मैं इसको कंटिन्यू कर दे। और 21,000 रुपये का पुरस्कार जीता है नीरज शर्मा ने। लगातार 3 छक्कों पे जो 21,000 रुपये की घोषणा हुई थी वो घोषणा जरूर बरकरार है और 21,000 रुपये नकद जो है वो प्रदान किए जाएंगे नीरज शर्मा को। तो देखते हैं दोस्तों अभी इस मुकाबले में कितना क्या फेर बदल होता है। अशोक जी किधर? ये मैच 2,00,000 रुपए का मैच है, ये 1,11,000 नकद राशि है, 1,18,000 की एलईडी वेरोको सीरीज की, 51,000 रनर को है और इसके अतिरिक्त अन्य ढेर सारे इनाम वो अलग है। और शायद ये मालपुरा का फर्स्ट मैच होगा जिसके अंदर इतनी ओडी जितनी इस समय ग्राउंड में मौजूद है उसे 50 गुना ज्यादा इस समय लाइव देख रही है। मार दे मेरा पैसा लाओगे तो मतलब
अच्छा बालाजी सॉरी बालाजी टीम के बॉलर ध्यान दे, अगर किसी ने हैट्रिक्स करी तो पहाड़िया स्पोर्ट्स की तरफ से एक ट्रैक सूट यहां से घोषणा की गई है। जो हैट्रिक वाला प्लेयर है बॉलर है वो पहाड़िया स्पोर्ट्स की तरफ से उसको एक ट्रैक सूट दिया जाएगा। और आप एम्पायर प्लीज फर्स्ट टीमें दोनों पोजीशन ले ले भाई, खिलाड़ी तुरंत बैट्समैन पहुंचे, बैट्समैन पहुंच गए ग्राउंड के ऊपर। बालाजी टीम पोजीशन ले भाई प्लीज, एम्पायर्स एम्पायर्स कमांड को भाई प्लेयर्स को। ओ दाजी, दाजी चाय 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 पानी। उसके पश्चात एक और कार्यक्रम हमारे पास में, जितना जल्दी हो सके उतना मैच चालू करवा दो प्लीज। दोस्तों ये जो है आज के हमारे इस मुकाबले के जो कमेंटेटर है वो आपकी स्क्रीन पे है। बालाजी टीम बॉलिंग करने को फील्डिंग करने को तैयार है और हैट्रिक बॉलर के एक शॉट पहाड़िया की तरफ से और हरियाणा के लिए तैयार है। इस मैच के बारे में जरूर बताएं भाई, इस मुकाबले के बारे में बताएं। 109 रन का टारगेट मिला है टीम हरियाणा को, तो क्या लगता है कितना कड़ा मुकाबला होगा, कहां तक ये मुकाबला जाएगा, जरूर बताएं भाई। बहुत ही अच्छा मुकाबला होने वाला है, जिस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं महावीर जी, आपको यहाँ निराशा नहीं मिलने वाली, दर्शकों से महावीर जी मिलना चाहता है और हमें याद किया जा रहा है बार बार, तो मैच के बाद में आपसे इंटरव्यू देने वाले हैं। थैंक यू। जो बालाजी टीम से उम्मीद थी उतने रन नहीं बना पाई है तो कंटेस्ट होगा मुकाबला। तो दोस्तों अभी जो इस मुकाबले में हम लौट आते हैं, जरूर जो भाई नामी घोषणाएं करवाई है उसकी आप टेंशन ना लें, वो पारितोषिक जो महावीर जी ओम जी पोजीशन लो गए अपने वापस। जी हाँ सर, थैंक यू। और ये इस महामुकाबले की दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है और इस मैच में कितने बोर्ड आने वाले हैं इस पारी में आपको देखने को मिलेंगे। दर्शक निगाहें टिकाए रखे हैं, जैसे कि सर बोल रहे थे कि कितने रोहित अमोल स्ट्राइक जी हाँ। और अभी कुछ देर पहले मेरी पंचायत के सरपंच रामचंद्र जी चौधरी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने घोषणा करी थी कि लगातार 6 छक्के पुरस्कार दिया जाएगा। पारी की शुरुआत से पहले होता हुआ इस गांव के लोगों की दरियादिली यहां पे
देखने को मिली है। मोगली और रोहित पारी की शुरुआत करेंगे, वहीं गेंदबाजी अटैक में होंगे, गेंदबाजी आक्रमण में होंगे। सुरेंद्र सिंह इन स्थानीय लोगों के जो दरिया दिली को यहाँ के सपोर्ट को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगी, यहाँ जाने के बाद बातें करेंगी। निर्णायक तैयार है, धन्यवाद। नहीं भाई, ये मुकाबला जो है वो 2023 में ही खत्म होगा। दूसरी चालू और 70,000 दर्शक तो जुड़ जाए भाई, एक बार फिर से जुड़ जाए जो साथी हमारे साथ है। ओ भैया पीछे वालों लाइन में जुड़े हुए थे वो सारे साथी एक बार फिर से जुड़ जाए मुकाबले में। 1,11,000 की दौड़ है दोस्तों, कौन सी टीम जो है वो यहाँ से बाजी मारती है। 109 रनों का टारगेट मिला है 72 गेंदों में, 12 और गए मुकाबला, जिसमें 4 आउट जो वो पावर प्ले के होंगे और दोनों साइड जो वो गेंद होगी नहीं। और सुरेंद्र सूरी आ चुके हैं भाई आपकी स्क्रीन पे इस वक्त, सुरेंद्र सूरी पवन मीणा भाई साहब का राम राम आता हुआ जरूर है। अजीत भाई साहब को बोल देंगे, अभी जो है अजीत भाई साहब थोड़ा बिजी है फील्डिंग सेट कर रहे हैं। जी हाँ, और ये अंतिम मुकाबले के लिए पहली बॉल का सामना करने के लिए तैयार है मोगली, और मोगली इसको ऑफ साइड में धकेलना चाहते हैं। जी हाँ, अंतिम मुकाबले की दूसरी पारी की पहली बॉल वाइट बॉल रही है और ये हरियाणा की टीम में स्कोर में इजाफा हुआ है। 1 रन अतिरिक्त रन के साथ में इनका खाता खुला है। जी हाँ, किसी भी तरीके से खाता खुले, खाता खुलना चाहिए। और ये शॉट बोल रही है। जी हाँ, इस जो फील्डिंग कर रही है टीम, ये कमजोर टीम नहीं है, आप जानकारी के लिए बता दूं। पश्चिमी भारत की टेनिस बॉल क्रिकेट में यहाँ पर जो खेल रहे हैं डारा डाला जैसे खिलाड़ियों का नाम है यहाँ पर। अरमा अगली बहुत बुरी तरीके से बीट हुए, यकीनन LPW का कुछ निर्णय यहाँ पे लागू होता तो अभी पवन का रास्ता देखते हैं। और शानदार बॉलिंग सुरेंद्र सैनी द्वारा, बहुत गजब की बॉलिंग हो रही है। ये मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो आप फील्डिंग में जो आप देख रहे हैं, आप फील्डर से बहुत कमजोर नहीं है, बहुत सीनियर खिलाड़ी है, एक एक दशक का अनुभव इनके पास में, और अपने ओवर की तीसरी बॉल ले जाते हुए और इसको रिवर्स मारना चाहते थे। किसी प्रकार के कोई बॉलर मिलने के बीच में संपर्क नहीं हुआ। फाइनल मैच का प्रेशर यहां से साफ दिखाई देता हो दोस्तों, बैटिंग वाले खिलाड़ियों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। बाहर से आई हुई टीम को अगर स्थानीय दर्शक सपोर्ट करते हैं तो इससे अच्छी बात है। जो है वो दादाजी का तो उसके बाद में याद करेंगे कि साल भर हमने छोटी प्रतियोगिता के लिए भाग लिया था और अंतिम मुकाबले में हमें बहुत ज्यादा चीयर अप किया था स्थानीय लोगों ने। जी हाँ, ये सितारे हैं माल्टा प्रीमियम लीग 2022 डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनलिस्ट है। और यकीनन एक एक बॉल धड़कने बढ़ाने वाली है। ये जो मुकाबला है ये इसको साधारण मुकाबला नहीं बोल सकते, क्योंकि इस मुकाबले में जो व्यवस्थाएं की गई है दीपक जी द्वारा, बहुत शानदार व्यवस्थाएं। यार अगली बॉल और ये फिर डॉट बॉल, सुरेंद्र सैनी बहुत ही किफायती बॉलिंग कर रहे हैं, अब तक अपने ओवर की 4 बॉल फेंक चुके हैं। 1 रन आया, वो भी अतिरिक्त रन आया था, बल्ले से अभी तक कोई रन नहीं आया। मोगली जो की हरियाणा की टीम के ऑलराउंडर माने जाते हैं, ओपनिंग ओपनर बन के आए हैं, देखते हैं कब अपने बल्ले के मुंह खोल के ये बाउंड्री लगाते हैं, दर्शकों में एक रोमांच पैदा करते हैं। और ये बहुत बुरे के तरीके से बीट हुए हैं और अपील हुई है, बहुत जबरदस्त अपील हुई है, पर निर्णय गौर से नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं है। मारे छोरे भी हरियाणा से कम नहीं है भाई, जरूर भाई अजीत भाई साहब, अब जरूर भाई इससे जो है वो बॉलर का कॉन्फिडेंस वो भाई अलग लेवल पे चला जाता है। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पे, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे हाथों में एक नगद पुरस्कार आया है दोनों निर्णायक गणों के लिए। भावर जी अजमेरा और कमल सैनी युवा नेता लावा के रहने वाले गणेश जी देशमा, सॉरी देश में। और ये मोगली ने अपने
बैटिंग शैली का परिचय दे दिया है और ये अपनी पारी का पहला चौका लगा चुके हैं। गणेश जी पैसनी उर्फ टाटा जी बहुत सीनियर है, निर्णायक है, बहुत ज्यादा अनुभव है। मेरी पंचायत के रहने वाले गणेश जी चौधरी पैसनी रामधन जी के सुपुत्र। तो अंतिम गेंद से जरूर यहाँ से दोस्तों चौका आता हुआ ये जो और इस चार की मदद से स्कोर जब पहुंचा 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे। चौधरी द्वारा दी गई है 181 आप सिंह जो चुके स्वागत है भैया आपका और हमारे लाइव साथी भी जो है वो इस वक्त हजार यहाँ पर खिलाड़ियों के अलावा निर्णायक गणों को भी यहाँ पे इनामों की बौछारें हो रही है। मैं पहली बार किसी प्रतियोगिता के अंदर ये देख पा रहा हूँ, ऐसा बहुत कम होता है कि निर्णायक गणों को यहाँ पर गुड एम्पायरिंग के लिए अच्छे निर्णय करने के लिए बहुत शानदार। और खत्म जी हाँ और अगले ओवर की कमेंट्री के लिए आमंत्रित करता हूँ मेरे बड़े भाई चिड़ा है दोस्तों पार पलेगा दूसरा ओवर करने और अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे अमित जांगिड़ अमित चिड़ा। हाँ तो पहलाओं मैच मजा जो डांस मैच के बाद दूसरा ओवर लेके रोहित जी चहार बहुत ही बढ़िया बॉलिंग लेकिन एक रन के साथ 6 रन दूसरे ओवर की पहली बॉल पर। बहुत शानदार जबरदस्त मुकाबला होता हुआ और अजय जी राठौर बहुत ही बढ़िया बॉलिंग खुद ने फील्डिंग की जबरदस्त अजय सिंह जी राठौर मोगली और रोहित जो की पारी की शुरुआत करने हैं और एक बार फिर से अजीत कड़वासरा पहुंच चुके हैं गेंदबाज के पास। इनकी बातचीत जो वो लगातार चलती रहेगी पूरे मैच में गेंदबाज के साथ फील्डरों के साथ और दूसरे ओवर की बड़ा ही आनंद आता है इनकी आवाज जब भी कानों में पड़ती है। और हमारे लाइव साथी भी जो है वो इस वक्त बराबर जुड़े हुए हैं भाई और भी साथी जुड़ जाए भाई शेयर करते हैं दोस्तों मुकाबले को हल्के में ना ले अंतिम गेंद तक ये मुकाबला जाएगा निश्चित तौर पे। और इस बार अच्छी बहुत शानदार बॉलिंग गेंद की लाइन बहुत लाइन में भी दी है इस बार श्री बालाजी क्लब मालपुरा की तरफ से और ये भी शॉट मारने की कोशिश की और बहुत अच्छी फील्डिंग और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा ये और थ्रो का चांस लेकिन बाल बाल बचे अजीत भाई आमिर सोहेल नहीं आए भाई आमिर सोहेल नहीं इस मुकाबले में दो रन इस मुकाबले में एक और घोषणा हुई है सारे स्कोर की तरफ से अगर एक ओवर में हैट्रिक लेता है कोई बॉलर अभी चीड़ा है सुरेंद्र सैनी है नीरज तो इनको ट्रैक सूट का इनाम दिया जाएगा राजेंद्र चोपड़ा। और ये दोनों खिलाड़ियों के बीच में से बहुत ही शानदार फील्डिंग बहुत ही शानदार श्री बालाजी कुमार मालपुरा की तरफ से शानदार फील्डिंग और बॉलिंग देखने को मिल रही है और शानदार मैच होने वाला है और 70,000 दर्शक अब बढ़ के हो गए 75,000 दर्शक बढ़ते जा रहे हैं ये लो एक बेहतरीन कैच पकड़ा गया जीत गढ़वासले के द्वारा उत्तर भारत से आई हुई हरियाणा की टीम बड़े जाने को अपने पहले विकेट का पतन हो रहा है। एक पॉइंट 4 ओवर की समाप्ति पे मोगली के रूप में
बहुत ही ऑलराउंडर खिलाड़ी थे, अभी दबाव में है अभी इस टाइम पे। अमित जांगिड़ जी ने वाकई ही चक्की घुमा दी है, जरूर भाई कैप्चर जरूर नहीं कर पाए। अब आगे कितनी तेज घूम रही है इसको देख कर हो, जबरदस्त फील्डिंग और जबरदस्त बॉलिंग श्री बालाजी मालपुरा की तरफ से। शानदार ओवर, दो ओवर पे 8 रन और 1 विकेट। और सभी को तीसरे ओवर के लिए जरूर भाई जल्दी जो है हमें मेरे छोटे भाई 2023 में प्रवेश करना चाहते हैं दोस्तों जी, धन्यवाद। 2023 में प्रवेश करने मैं कह रहा था हरियाणा की टीम के लिए जो मोगली के रूप में ऑलराउंडर है खास कुछ कर नहीं पाए, ये फाइनल का प्रेशर उनमें साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि ये दो ओवर के खेल में 8 रन बनाए अभी तक, 1 विकेट दे चुके हैं। जो स्थानीय टीम है श्री बालाजी क्रिकेट क्लब मालपुरा बहुत सराहनीय प्रदर्शन कर रही है, निर्णायक बहुत ही निष्पक्ष निर्णय दे रहे हैं इस मैच में, अभी तक किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हरियाणा के जो प्लेयर्स हमारे बीच में आए हुए उन्होंने बोला था कि हमारे बीच में हम जो यहाँ पर आए हैं हम हर तरीके से संतुष्ट है, निर्णायकों से संतुष्ट है, आपकी व्यवस्थाओं से संतुष्ट है, आपके दर्शक गण हमें जो अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे गेम को उससे हम संतुष्ट है। और सुरेंद्र सैनी अपने दूसरे ओवर की पहली बॉल रोहित चाहर के लिए, रोहित चाहर ने इसे ऑफसाइड में धकेल दिया और चोपड़ा ने बॉल को एक हाथ से पकड़ने की कोशिश करी पर पकड़ नहीं पाए, जब तक फॉलो थ्रू में खिलाड़ी 1 रन काट किए पूरा कर चुके थे, स्कोर में इजाफा हुआ 9 रन, 2.1 ओवर की समाप्ति हुई अभी तक, 4.19 की स्कोर है और मोगली आउट हो चुके हैं। इसी तरह का स्कोर रहा तो जहां तक मुझे लगता है स्थानीय टीम बाजी मार सकती है, बाकी क्रिकेट है संभावनाओं से भरा हुआ, कुछ भी नहीं कर सकते इसके बारे में। हम कल देख रहे थे अब ये अजीत करवा रहे हैं कि 24 रन लिए थे हमारे राजकुमार पठान ने और लेग साइड में धकेल दिया, पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी ने बॉल को पकड़ा और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, जब तक खिलाड़ियों ने क्रीज में भागते हुए 1 रन पूरा किया, इसी के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। शानदार फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग जी भाई साहब, बिल्कुल जबरदस्त फील्डिंग श्री बालाजी क्लब मालपुरा जी। ये मैच और चल रहा दोस्तों मालपुरा चल रहा है, मालपुरा प्रीमियर लीग का ये अंतिम मैच और रोहित चाहर ने उठा के मारा, मौका बन सकता है और ये किसी प्रकार की चूक नहीं हुई है श्री बालाजी क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी जो कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कैच लपक लिया, रोहित चाहर ने अपना विकेट दे दिया है। शुरुआती ओवरों के अंदर ही तीसरे ओवर की 3 बॉल हुई है अभी तक, तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पे फोन आ गया तो दूसरा विकेट मिल गया, फोन आ गया, फोन आ गया, फोन आ गया, ओके अगला विकेट, अगला विकेट लेते तो टी शर्ट और 100 रुपए खींची होना, खींची खींची होना 100 रुपए अगले विकेट पे जी हाँ, मेरे पास फोन आया भाई साहब, स्पोर्ट भैया टी शर्ट लेके तैयार खड़े हैं अगले विकेट जी हाँ, नादे स्पोर्ट्स वाले प्रत्येक प्रतियोगिता के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चूंकि ये खिलाड़ी रहे वर्तमान में शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षक है और मोटू आ चुके हैं, मैं बताना चाहता हूँ एक घोषणा है वो आदि स्पोर्ट्स के साथ साथ में पहाड़ी स्पोर्ट्स ने भी करी है, लगातार 3 छक्के लगाती है कोई खिलाड़ी इस पावर प्ले के अंदर तो उसको एक ट्रैक सूट दिया जाएगा, बहुत ही ब्रांडेड ट्रैक सूट दिया जाएगा पहाड़ी स्पोर्ट्स की तरफ से, लादे स्पोर्ट्स की तरह पहाड़ी स्पोर्ट्स भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं प्रतियोगिता के अंदर। इस बॉल पे छक्का लगे तो 181 रुपए का इनाम दिया जाएगा और ये खिलाड़ी हमारे ग्राम पंचायत के खिलाड़ी, हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान रामचरण जी प्रत्येक बॉल पे, अगर इस बॉल पे भी कर दियो अनिल मोटू छक्का लगाते हैं सुरेंद्र सेने की गेम टूर्नामेंट जो चल रहा है वो मालपुरा में चल रहा है भाई, जिले के मालपुरा में 181 क्या अद्भुत इनाम है। और अनिल मोटो ने ये गेंद लेग साइड में धकेल दी, उधर खिलाड़ी मौजूद है देखते हैं क्या करते हैं, बिल्कुल कोई गलती नहीं करी और पकड़ के सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में फेंका, जब तक खिलाड़ियों ने भाग के 1 रन पूरा किया स्कोर में इजाफा हुआ। ओम जी फील्डिंग की बात देनी पड़ेगी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल बड़े भाई बहुत सराहनीय फील्डिंग है, फाइनल मुकाबले के अनुसार फील्डिंग है और
सुरेंद्र भाई यहाँ से हमारे होंडा खिची भाई साहब जो है चाय लेके आ गए हैं भाई। इस सर्दी में थोड़ा गर्मी गर्मी का माहौल डिगी मालपुर है यानी उत्तर भारत से आएगी हरियाणा की टीम के खिलाड़ी को बता दो स्थानीय सपोर्टर भी आपके साथ। और महावीर जी भाई साहब कमेंट कर आपका नाम मिलते जुलते हैं आपको दानवीर कैसे नहीं मिलेंगे। आप इस गांव के लिए हमेशा बढ़ चढ़ के आगे रहते हैं हमारे बीच में बैठे हुए हैं। स्कोर हुआ है 11 रन 2 विकेट के स्कोर पे। हमारे बीच में प्रत्येक खेल के प्रोग्राम के अंदर जब भी कोई क्रीड़ा का प्रोग्राम होता है तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं सहयोग देते हैं। और ये राजेंद्र चौधरी अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे भाई टीम के लिए चौथा और अंतिम ओवर पावर प्ले का। और इस शॉर्ट गेंद को निकाला है साइड में लेके दिया उस साइड में खिलाड़ी ने जमा रखा है उसका किसी प्रकार की कोई चूक नहीं करी खिलाड़ी ने और सीधे विकेट की तरफ दस्ताने में बोल चपका के अनिल उस मोटो ने एक रन काट लिया। महावीर जी भाई सबसे निवेदन करूंगा कि इस ओवर में कमेंट्री ऑल द बेस्ट सुमित सचिन भाई और जी ने बहुत शानदार बॉलिंग और ये फिर लेग साइड में धकेला और चार रन के लिए गेंद को जो हवा में करण जी रचनात्मक तरीके से निकाला है छक्कों की हैट्रिक के लिए 1100 सरपंच साहब केशमा बहुत ही शानदार बॉलिंग और ये चार रन नहीं रोक पाए फील्डर और यहाँ से सुमित चार रन के साथ फायदा उठाते हुए लगातार दो गेंदों में दो चौके आ चुके हैं दोस्तों। कुछ मंथन चलता हुआ और मैं चलाते भाई बालाजी क्लब जो है वो जयपुर की टीम है 20 रन दीपक भाई साहब के स्पॉन्सर है और चौथे ओवर की चौथी बॉल भाई राजेंद्र जी चौधरी के हाथ में बहुत ही शानदार बॉलिंग भाई राजेंद्र जी चौधरी अपनी चार बॉल चौथे ओवर की करवाते हुए शेयर जरूर करते हैं दोस्तों इस मुकाबले में जुड़े रहें। और ये फुल टॉस पे 6 रन इस बार जरूर भाई फुल टॉस गेंद और उसका पूरा अजीत भाई जी एम्पायर का इंतजार है 6 रन टी शर्ट अब C2G टेंट वाले राकेश जी से आके संपर्क करें C2G टेंट वाले एक्स्ट्रा फील्डर जो है वो ग्राउंड में आ चुकी है। इस सिक्स पे राधे जी स्पोर्ट की तरफ से टी शर्ट इस सिक्स पे
इनामों की बोछारे हो रही है इस प्रतियोगिता में, पहली बार देख रहा हूँ इस मालपुरा गांव के अंदर और ग्राउंड में बड़ी इनामों की बोछारे हो रही है। ग्राउंड में जमकूबाजी घूमती हुई, जमकूबाजी ग्राउंड में घूमती हुई फूफा जी, अरे इसको भगा भैया, शानदार मैच चल रहा है, 26 रन 2 विकेट और चौथे ओवर की लास्ट बॉल बाहर पहुंचाते भाई राजेंद्र सिंह चौधरी जी के हाथ में, राख देनी पड़ेगी महावीर जी आपको, यहां से 100 मीटर दूर से बचा लिया बुआ जी या फूफा जी, जगत बुआ जी ये जाने वाले नहीं है, फूफा जी बिना नहीं जाएगी जी हाँ। ऐसे कहने थोड़ा सहयोग करें, इसको बाहर भेजे जानवर आ जाते हैं, कट्टा ही ना जाऊं बुआ जी, फूफा जी ने ले रही जा सकते हे बुआ जी, ओड बाबू जो के बेटा मैं फूफा जी मेरे से नहीं बैठता है, सर्दी बढ़ती हुई शानदार मैच चलता हुआ और ये बुआ जी सामने हो चुकी है, बुआ जी पेश पैर के जाएगी भाई साहब, हाँ राधे सपोर्ट जी का टी शर्ट मांग रही है भाई साहब बुआ जी, शानदार मैच चलता हुआ 26 रन 2 विकेट चौथे ओवर की लास्ट बॉल भाई राजेंद्र जी चौधरी जी के हाथ में और दर्शकों का भयंकर सपोर्ट, निर्णायकगढ़ मैदान में चारों तरफ से ध्यान रख रहे हैं, दर्शकों के सपोर्ट की ध्यान करनी पड़ेगी, बहुत बहुत शुक्रिया हाल प्रवासियों आपका, इतने बड़ी प्रतियोगिता में इतने बड़े संख्या में आए हैं और पूरा अनुशासन दिखा रहे हैं, बहुत ही हटा दिया भाई एक्स्ट्रा फील्डर को जो है वो ग्राउंड से बाहर भेज दिया गया है, तो सभी साथियों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, 2023 में दोस्तों हमें आ चुके हैं, तो सभी जो हमारे लाइव साथी हैं उनको राज क्रिकेट फेवर पेज की ओर से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सबसे ये प्रतियोगिता सभी दोस्तों को, सबसे मालपा पुलिस प्रशासन ने इस प्रतियोगिता में बहुत ज्यादा सहयोग दिया है, मैं बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा मालपा पुलिस प्रशासन का, आयोजक मंडल का और स्थानीय दर्शकों का बोल देना जरूर, बहुत ज्यादा सहयोग किया है इन्होंने, और इसी के साथ में 9 वर्ष 2023 की बहुत बहुत बधाई आज सभी दर्शक गणों को और ऑनलाइन देखने वाले सारे मेरे व्यूअर्स को, आपको 2023 की बहुत बहुत बधाई, 20 रन 2 विकेट और ये अंतिम बॉल में ऑफ साइड में धकेल के एक रन लिया, जरूर भाई ये मैच 2022 में शुरू हुआ था और 2023 में खत्म होगा, हो गई हैप्पी न्यू ईयर, 27 रन 2 विकेट 4 ओवर 2023 में जो है हम प्रवेश कर चुके हैं 2023 की 9 वर्ष की सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं राज क्रिकेट फेवर पेज की ओर से, सभी मित्रों का महावीर सिंह काटोली और सभी दर्शकों का मेरा राम राम जय सियाराम हर हर महादेव, जी हां अंग्रेजी नव वर्ष 2023 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, बीत गए जो दिन उनको भुला दो, नए आने वाले कल का आगाज मन में जगा दो, ये सोच अपने बीच में रहनी चाहिए और प्रतियोगिता एक ऐसी है कहीं 2022 में भी रही है और 2023 में भी रही है, ये पहला फाइनल ऐसा होगा कि जो एक फाइनल मैच 2 सालों में हो रहा 2022 और 2023 में, जी हाँ दर्शकगण सोच रहे होंगे कि एक फाइनल मैच एक बारी 2022 में हुई है एक बारी 2023 में हुई है, बड़े भाई अमित जी शर्मा रिकॉर्ड वाले बीच में बैठे हुए बहुत में मेरी तरफ से सभी भाई लोगों का सभी भाइयों को नहीं नए साल की शुभकामना बोली है, अमित जी शर्मा की तरफ से भी आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई, राकेश जी भाई साहब की तरफ से भी अंग्रेजी नंबर्स की आपको बहुत बहुत बधाई, संपूर्ण आयोजन टीम की तरफ से लाल प्रदर्शन की टीम की तरफ से हमारे टूर्नामेंट के भामाशाह बालाजी की प्रेशर की टीम सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, ऐसा प्रोग्राम मालपा शहर में पहली बार हो रहा है, आपका सहयोग इस तरीके से बना हुआ है ऐसा अंतिम क्षणों तक बनाए रखे और ये बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम है और हरियाणा टीम की तरफ से भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हम सब राजस्थान भाइयों की, जी हाँ और 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 विकेट खत्म कर चुकी है जजा चार्ली की और 27 रन हुए, इनामों की बौछार है, अगर हैट्रिक लेते हैं तो पहाड़ी स्पोर्ट्स की तरफ से
और गलत गेंद थी, वाइड गेंद थी, पावर प्ले के बाद में गेंद जो थी वो खराब थी, लेकिन उसका सही फायदा मिलता हुआ बालाजी क्लब को और सुमित को बाहर का रास्ता दिखा दिया भाई। एक बार विकेट पर था बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हां, बहुत शानदार गजब का एक खिलाड़ी जो विकेट देके गया है। इससे प्रतीत होता है कि मालपुरा की ये जो टीम है श्री बालाजी क्रिकेट क्लब अल्ट्रा, ये कमजोर टीम नहीं है। इसके अंदर दशकों का अनुभव लिए हुए खिलाड़ी हमारे बीच में और हैट्रिक भी होगी इसके बाद। जी हाँ, अगर हैट्रिक होती है इस ओवर में तो पहाड़े स्पोर्ट्स की तरफ से हैट्रिक लेने वाले बॉलर को एक शानदार ट्रैक सूट दिया जाएगा। हाँ, होंडा 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 पहाड़े स्पोर्ट्स की तरफ से भी और जैसा कि राधे स्पोर्ट्स की तरफ से भी आपको प्रतियोगिता के अंदर इनामों की बौछार मिलती है। इस प्रतियोगिता में भी इनामों की बौछार कर रहे हैं राधे स्पोर्ट्स भाई श्रीनाम शर्मा सभी बहुत सीनियर खिलाड़ी इस साल का मैदान के जहाँ तक मुझे पता है नौ वर्ष की इस जो नौ वर्ष का स्टेज लगा हुआ है चाय का मतलब देखोगे बनी हुई सब जूनियर छोटे छोटे बच्चों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर योगेश जी भाई साहब और भाई राधे बॉक्सर मेडल है। ओम जी, अब तक के जितने भी मेडल हुए हैं इन टूर्नामेंट हुए हैं। जी हाँ, ये बात हम बता चुके हैं, कल भी बता चुके हैं, प्रत्येक मैच में बताते हैं। जो सहयोग करता है खुले दिल से उसके हम खुले मुकाबले में एक बार फिर से जुड़े हुए सभी साथी जो है इस मुकाबले में। अरुण डाकर अभी भी बल्लेबाजी करने आने बाकी है दोस्तों। अरुण डाकर जितना बड़ा आपका जिन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेहतरीन अपने खेल के नाम पे हमेशा आगे रहते हैं। पांच छक्के हमारे इस मालपुरा के जरूर उस बल्लेबाज को नजरअंदाज ना करें, नोट जाए हमारे कमल जी के जुड़ जाए छोटे भाई से इस मुकाबले में इस कमल जी जो मुकाबले में जुड़ जाए। गुरु के भी गुरु है और मैंने भी उनके सानिध्य में ट्रेनिंग ली है। और ये अगली बॉल साहिल फोगाट आ चुके हैं दोस्तों। अमित जांगिड़ करेंगे अगली गेंद, साहिल फोगाट पहली गेंद का सामना करेंगे और ये बॉल को प्लेट करी है। किसी प्रकार की कोई रनों में इजाफा नहीं है। 4.1 ओवर का खेल, 4.2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका। 27 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, नए बल्लेबाज के रूप में आए साहिल फोगाट। जी हाँ, साहिल फोगाट जिसके बारे में बता रहे थे बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है। और बहुत ही बेहतरीन बॉल है। अमित जांगिड़ बहुत किफायती बॉलर साबित हो रहे हैं। 1.2 ओवर कर चुके हैं, 3 रन दिए मात्र और 2 सफलताएं हासिल कर चुकी है। बहुत जोरदार तालियां, ऑफ साइड जबरदस्त कट करवाते हैं। और सीधे लेग साइड में धकेल दिया है गेंद को साइड पर फील्डिंग की खिलाड़ी ने और बॉलर के हाथ में बॉल। जब तक खिलाड़ी भागे 1 रन पूरा कर चुके थे साहिल फोगाट ने। डांस भाई मैच खत्म होने के बाद होंगे भाई, आवाज पहले आ रही थी और वीडियो बाद में लाइव नहीं भाई, ऐसा तो नहीं चल रहा भाई। और ये अगली बॉल आप अपना इंटरनेट कनेक्शन भी जरूर एक बार चेक कर ले दोस्तों। और ये बाहरी किनारा लेके थर्ड मैन की दिशा की तरफ बॉल गई और अनिल और शॉट होने भाग के 1 रन पूरा किया। धीरे धीरे सिंगल डबल से मैच चला रहे हैं क्योंकि उनको पता है फाइनल है, फाइनल का दबाव सबके सामने दिखाई दे रहा है। और इस ओवर में मैं देख रहा हूँ कि अभी तक कोई इनामों के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही, वरना प्रत्येक ओवर में 3-3, 4-4 घोषणा होती थी। हाँ, इस बॉल पे छक्का लगता है तो 181 रुपये रामचरण देशमुख की तरफ से प्रयास किया चूंकि बहुत बुरे तरीके से बीट हुए। ओवर की समाप्ति हुई, 5 ओवर की समाप्ति पे 29 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और ये जो 181 रुपए की इनामी राशि देने की जो राज नई पहल है फेवर पहले ऐसा पेज बना है इसके कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। लाइव करते हुए 2023 में पहुंचा और होने वाला इस बार 2022 से लाइव करते हुए 2023 में पहुंच चुके हैं। थैंक यू एवरीवन सभी साथियों का प्यार और सपोर्ट कमेंट के लिए मैं निमंत्रण करना चाहूंगा धन्यवाद सभी साथियों को। जी भाई साहब धन्यवाद, थैंक यू, लव यू। दोस्तों स्टार वाला ऑप्शन जरूर चेक करें, इस नौ वर्ष के अवसर पे वो 75 स्टार वाला गिफ्ट जरूर चेक करें। जिन भी साथियों को वो स्टार मिले वो जरूर सेंड करें और सपोर्ट करें पेज को राज की शानदार फेसबुक पेज। अब इनाम की चर्चा नहीं करेंगे, कर दिए भाई इनाम की जो घोषणा है वो शुरू हो चुकी है। 78,000 की जनसंख्या मालपुरा के अंदर
बहुत ही गजब जोरदार तालियां दर्शकों की। बिल्कुल भाई साहब सही बता रहे हैं। और ये जो आप मैन ऑफ द सीरीज की जो चमचमाती एलईडी देख रहे हैं, नगर पालिका की तरफ से दी जा रही है, नगर पालिका मंडल मालपुरा की तरफ से दी जा रही है, जो आप देख रहे हैं। अगली बोल जरूर बोल देंगे भाई मामा श्री। और बहुत ही शानदार बॉलिंग राजेंद्र डाला, राजेंद्र चौधरी उर्फ डाला, इस मैच में बहुत सहयोग रहा इनका, युवा नेता। और ये चूके बुरी तरीके से बीट हुए राजेंद्र डाला की इस बॉल पे। राजेंद्र डाला अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हेलो कमल जी लावा की तरफ से एक विकेट पे। और ये मौका बन सकता था, पर खिलाड़ी थोड़ा दूर है बॉल से और वन बाउंस और सीधी विकेटकीपर के दस्तानों में बॉल, जब तक खिलाड़ी ने अपना एक रन पूरा किया। इतने बड़े खिलाड़ी ये करते हैं। हेलो हाँ जी शानदार भाई, एक एक दो के सहारे अब गेम को चलाया जा रहा है, लेकिन एक एक दो दो से जो कमल पड़ने वाली है, क्योंकि अभी भी जो है वो 78 रन और चाहिए जीतू स्टार का एक्सपीरियंस बिल्कुल काम आता है। इसी बीच गेंद को उठा के जरूर मारा है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। शानदार सिक्स के साथ अनिल बोटू के साथ निकलता हुआ तीन विकेट पे अमल जी लावा, 11,000 कमल जी लावा तीन विकेट अगर लगातार लेते छक्का। धन्यवाद। अरे भैया आप सब बाउंड्री से बाहर हो जाओ। ये जो के पुलिस प्रशासन सहयोग करें, इनको थोड़ा पीछे करें, थोड़ा पीछे करें प्लीज, आप मेरी बात को सुन रहे हो तो थोड़ा पीछे करें। बाउंड्री लाइन पे जो फील्डिंग कर रहे हैं उनको थोड़ी तकलीफ होती है, और के अंतिम मुकाबला है, फाइनल मुकाबला है। अच्छा, और सभी सज्जन मेरा सहयोग करें, कुछ सज्जन बाउंड्री लाइन के 12 ही रन रेट से जो टीम हरियाणा को आगे प्लीज रन बनाने होंगे, कहीं ना कहीं अंदर भी बैठे हुए रन बढ़ानी होगी। अगर गणेश दाजी अगर मेरी बात सुन रहे हैं इनको थोड़ा बाहर निकाले। ये फूफा जी इतनी मांग के बुआ जी को ढूंढने के लिए जोरदार तालियां। बुआ जी रूस के कहीं फूफा जी ढूंढते हुए घूम रहे ग्राउंड के अंदर। कालू फूफा जी बुआ जी तो और बहुत बेहतरीन एम्पायरिंग के लिए इनामों की घोषणा हुई है। भाई साहब निर्णायक गणों के लिए इनामों की घोषणा, ये मैच आपको दिखाता है इसमें कितना रोमांच है, जहाँ निर्णायक गणों को भी पुरस्कारों की घोषणा हो रही है, तो आप सोच सकते हैं मैच में कितना रश है। बदतर चाहिए छह में स्थानीय लोग थोड़ा मदद करें, ऑफ स्टेट पे जो बाहर के पास बैठे हुए खिलाड़ी वो बाहर निकाले। 37 रन 6/3 के। ओम जी आप उधर भी ध्यान रखें, वो रन वगैरह पूछते हैं। दोस्तों रेस है 1,11,000 रुपए। 6 ओवर की समाप्ति पर 37 रन 3 विकेट। ओवर ये दर्शक बाहर हो जाए कृपया। अमित जी जांगिड़ के हाथ में 30 ओवर करवाते हुए। ओम जी कमेंट्री के लिए धन्यवाद। वो मालपुरा टोंक में चल रहा है राजस्थान, मालपुरा टोंक राजस्थान। कृपया ये जो मेरा माइक है आज के मैच में बहुत बेहतरीन एम्पायरिंग कर रहे गणेश जी चौधरी देशमे को देना चाहूंगा, ये इनको समझाए, मेरी भाषा में समझ नहीं पा रहे, एक बार इनको आप अपनी भाषा में समझाए। और कार्यकर्ता ये जो है अगर मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, और प्रोग्राम में लेट हो रहे कर व्यवस्थाएं बनाए रखे, बाउंड्री लाइन से अपने पांव पीछे रखे, कोई भी जो बाउंड्री लाइन पे जाके केस करता हुआ, तो कृपया आप सब समझदार हैं, कम से कम एक एक फीट, और ये सी जो इलेक्ट्रिक वायर है इस इलेक्ट्रिक वायर को बाउंड्री के अंदर की साइड में ना धकेले। बहुत दूर से टीम आई हुई है, उत्तर भारत से टीम आई हुई है, हरियाणा से, जो अपने बारे में क्या बोलेगी यहाँ से जाने के बाद में, तो सारे दर्शक सहयोग करें, थोड़ा ध्यान दें, व्यवस्थाएं बनाए रखें।
ये जो वायर है वायर को बिल्कुल सीधा रखें, ये जो चेयर रखी हुई है भाई साहब सज्जन जो भी हो कर पे आप अपने चेयर को पीछे रखें प्लीज, मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो चेयर को पीछे रखिए प्लीज। रूट्स की बॉल होती तो इतनी देर में बना देते भाई, जरूर गेंद का फर्क होता है लेकिन इस गेंद से जो है वो भी रन बनते हैं। अरुण डागर अभी भी बल्लेबाजी करने आना बाकी भाई, उन पे जरूर दारमदार होगा। और एक बार फिर से डॉट गेंद आती हुई लगातार बैक टू बैक डॉट गेंद, हमारे कार्यकर्ता कमल जी पिक्टू भाषण की थी ग्राउंड के चारों तरफ घूम रहे हैं, बिल्कुल पानी की व्यवस्था है, कैन भरे हुए आप पानी पी सकते हैं, मंच के पीछे की साइड में कैन भरे हुए हैं, आपकी हर सुविधाओं का ध्यान रखा गया। नगर पालिका मंडल ने बहुत सहयोग किया हमारा इस टूर्नामेंट के अंदर, बहुत बहुत आभार आपका। अजीत भाई साहब आउट नहीं डालेंगे इसी के साथ स्कोर मिल जाएगा 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर, गुड एम्पायरिंग। और बॉल को उठा के मारा है, मौका है और कोई चूक नहीं करी पॉइंट के खिलाड़ी ने, और इसी के साथ में साहिल फोगाट ने अपना चौथा विकेट दे दिया है, सचिन झांडे की टीम को 4 विकेट के नुकसान में 37 रन हुए हैं। और ये मैच धीरे धीरे मालपुरा की श्री बालाजी क्रिकेट क्लब की टीम की तरफ झुकता हुआ, हालांकि क्रिकेट बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। और इसी के साथ में दर्शकों ने अभिवादन किया है, अरुण डागर 33 गेंदों में 72 रनों की अभी भी जरूरत है। जी हाँ अरुण डागर एक बार मेरी आवाज सुन पा रहे तो मेरी तरफ देखिए स्टेज की तरफ, आप अगर जाते ही पहले बॉल में एक छक्का लगाते हैं तो 500 रुपए ग्राम पंचायत देश मांगे सरपंच श्रीमान रामचरण जी चौधरी की तरफ से आपको दिया जाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। में ही 16 रन बना दिए थे और मैच को फिनिश करके ले गए थे, मानना पड़ेगा। आप बोलेंगे अमित जांगिड़ी इसमें कोई अच्छी प्रदर्शन कर रही थी पर इस विस्फोटक बल्लेबाज के सामने वो टिक नहीं पाए, और सातवें ओवर की ये चौथी बॉल अमित जांगिड़ की, गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर, इसी के साथ में डागर शो शुरू हो चुका है दोस्तों, बहुत बहुत बधाई 500 रुपए की इनामी राशि, अरुण डागर शो स्टार्ट हो चुका है, पहली गेंद में छक्का उड़ा दिया रामचरण जी चौधरी द्वारा, धन्यवाद रामचरण जी चौधरी। अरुण डागर आपकी इनामी राशि मेरे पास में, राधे जी की टी-शर्ट और राधे स्पोर्ट्स की टी-शर्ट, बिल्कुल नगद प्राप्त हो गए, निर्णायक खड़ों का पैसा मेरे पास में रखा हुआ है, अरुण डागर का पैसा मेरे पास में रखा हुआ है, 12 की रन रेट से जो यहां से रन बनाने हैं 4 गेंदों में 6 रन आ चुके हैं, कहीं अरुण डागर अगर ये और खेलते हैं तो स्कोर छोटा ही पड़ता दिखाई देगा दोस्तों, ऐसे खिलाड़ी इस मैदान में बहुत कम देखने को मिलते हैं। दुकान मेरे पास शानदार मैच, जबरदस्त दर्शक और बहुत ही प्यारे दर्शक, क्योंकि इनको पता है मैच खत्म होने के बाद मैच में पहले कुछ नहीं बोल सकते, दोनों टीमों के पास ये मुकाबला चुका हुआ, मेरा डांस भी उनके साथ ही होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, एक बार जोर से जोरदार हल्ला मचा के दिखाओ अगर मेरा डांस देखना होगा। जी हाँ महावीर जी भाई साहब हरदेव जी के लिए आपको अवगत करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता है। और अरुण डागर ने उठा के मारा, उस दिशा में खिलाड़ी है, खिलाड़ी ने किसी प्रकार की कोई चूक नहीं करी और भाग के जब तक अरुण डागर ने अपने दूसरी बॉल में सिंगल निकाला है। जी हाँ अरुण डागर बहुत ही विश्वसनीय प्लेयर है, उनके साथ में वही 6 फुट के खिलाड़ी है अनिल, दोनों 6-6 फुट के खिलाड़ी है राणा के हरियाणा के, बिल्कुल भाई मेरा मन है हरियाणा के खिलाड़ी में कितना दम है, अगर जमा लट गाड़ रख के हवाई चोरा तम दोनों आना है, हरियाणा का कम हरा राजधानी भी ना भाई, हाँ शाबाश शाबाश लड़के।
हमारे लाइव साथी भी धीरे धीरे बढ़ते हुए ये पूरी तरीके से बीट हुए गेंद आती हुई और इसी के साथ में अमर की समाप्ति दोस्तों 30 गेंदों में पहले ओवर की कमेंट्री के लिए मैं बड़े भाई मायूस को बताना चाहूंगा अगर अरुण आकर अब जो है वो ओवर में ये स्ट्राइक पे है अगर पहली बॉल पे छक्का लगा देते हैं तो वापस हमारे नीरज शर्मा गेंदबाजी करने के लिए रामचरण जी चौधरी के द्वारा 200 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जब तक अरुण डागरी करी जाएगी तब तक ये सारी उम्मीदें रहेंगी टीम हरियाणा की। जबरदस्त फील्डिंग की और क्वार्टर फाइनल शानदार रूप से जो है वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला जिताया था अरुण डागर ने। हमारे अमित जी भाई साहब आ चुके हैं, नीरज शर्मा आ चुके हैं, नेक्स्ट गेंदबाज जो है वो जायजा ले रहे हैं स्टेज का भाई साहब। बहुत ही बढ़िया पहला ओवर करेंगे और पारी का आठवां ओवर है नीरज शर्मा के हाथ में। 30 गेंदे 65 रन है, स्कोर हो गया है 13 का स्ट्राइक रेट चाहिए भाई 13 रन 44 रन 4 विकेट 7 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट 44 रन। श्री राम श्री बालाजी क्लब की तरफ से शानदार बॉलिंग और फील्डिंग का नजारा देखते हुए 7 ओवर कंप्लीट 44 रन 4 विकेट 8वां ओवर प्रगति पे और बॉलिंग के लिए आए नीरज जी शर्मा अपना पहला ओवर लेके। सही है यार सही है वो मैं देख के मैं खेलता 30 ओवर में 65 रन चाहिए। शानदार बहुत ही प्यारी और स्टिक बॉलिंग झाड़ी को चाहिए 29 बॉल पे 65 रन की गजब का शिकंजा कसा भाई राजस्थान वाले। जबरदस्त बहुत ही बढ़िया फील्डिंग बहुत शानदार फील्डिंग का गजब गजब की राजस्थानी मेरे भाई शानदार फील्डिंग। इसको एक टीशर्ट फ्री और इनको बोलो कुर्सी हटाने फील्डर के बहुत तेज चोट लगी है इनको हाथ जोड़ के विनती है दर्शकों को कुर्सी थोड़ी पीछे कर लो। जी हाँ माहौल जी भाई साहब बता रहे हैं कृपया आप इन कुर्सियों में जो दर्शक बैठे हैं थोड़ा पीछे बैठे सहयोग करें। बहुत राकेश जी भाई साहब आपके पास में आ रहे निवेदन कर रहे हैं जरूर दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त फील्डर वहाँ पे देखने को मिला है 6 रन जो है वो सेव किए हैं निश्चित तौर पे छक्का था फील्डर का एफर्ट बड़ा ही शानदार एफर्ट है वहाँ से बहुत शानदार छक्का बचाया अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए हैं यहाँ से बहुत जान झोंक रखी है श्री बालाजी क्लब मालपुरा ने और बहुत तगड़ा शिकंजा कसा है। और इस भाई का नाम क्या फील्डर का नाम बताओ प्लीज राधे स्पोर्ट की तरफ से टी शर्ट नाम कहा जी भाई फील्डर कौन था फील्डर जो थे वो महेंद्र थे भाई महेंद्र थे जिन्होंने खतरनाक शानदार तरीके से जो है उससे 5 रन बचाए अपनी टीम के लिए। ओम प्रकाश की फील्डिंग बहुत जबरदस्त मानना पड़ेगा ओम प्रकाश जी एक ओम प्रकाश जी हमारे ऊपर बैठे हैं और एक ओम प्रकाश जी आप बहुत तगड़ी फील्डिंग जी हाँ ओम नाम के खिलाड़ी राउंडर होते हैं माफ करना भाई ओम नाम था 43 रन प्यारी गजब की बॉलिंग श्री राम श्री बालाजी क्लब की तरफ से नीरज शर्मा की शानदार 4 बॉल और में मात्र 1 रन आया अभी तक 1 रन आया है 64 रन अभी भी चाहिए 26 गेंदों में 64 26 में 64 चाहिए दोस्तों अभी भी। और ये लेग साइड पे अंपायर का इंतजार 4 रन इस बार जरूर बाउंड्री मिलती हुई चौका मिला है हरियाणा 25 में 60 अभी भी चाहिए 25 गेंदे 60 रन 49 रन बहुत खूबसूरत बॉलिंग टीम है बालाजी क्लब की ओर से और ये आउट और ये लो भाई शानदार विकेट का भी पतन होता है बहुत ही शानदार कीपर 5 विकेट का पतन हो चुका है 24 गेंदों में 60 चाहिए 15 की स्ट्राइक रेट से जो है वो अब रन बनाने वाली टीम हरियाणा को और
24 बॉल पे 60 रन की जरूरत है। श्री बालाजी क्लब ने जबरदस्त फील्डिंग और जबरदस्त बॉलिंग का चार आउट में 60 चाहिए, 15 की स्ट्राइक चाहिए जो रन बनाने होंगे। नवीन आ चुके हैं भाई, नेक्स्ट जो बैट्समैन है वो है नवीन ओम प्रकाश जी। जी हाँ, धन्यवाद भाई साहब। और ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है हमारे बीच में। दर्शक अपनी जगह से हिल नहीं रहे, इससे प्रतीत होता है कि ये बहुत हाई वोल्टेज मुकाबला है। इनको पता है जी, इनको पता है देखो आने वाला आधा घंटा इनको सब मालूम है। और 80,000 दर्शक बढ़ चुके हैं भाई साहब, और बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला चल रहा है। हरियाणा की टीम की मेन रीड की हड्डी सुरेंद्र सूर्य आ चुके हैं दोस्तों। अंतिम ओवर करेंगे अपने कोटेकार पारी का नौवां ओवर। 15 की स्ट्राइक रेट से अब रन बनाने होंगे। बहुत अच्छी आवाज है सर जी, धन्यवाद भाई। हरियाणा की टीम जैसा कि ये खेल दिख रहा है 24 में 60 चाहिए दोस्तों, 24 गेंदे 60 रन। पहली गेंद पे छक्का आ गया दोस्तों, पहली गेंद पे छक्का अरुण डागा के पैस इनको तो वह दूसरा छक्का सुरेंद्र सूर्य की पहली गेंद पे छक्का उड़ा दिया अनिल जी के लिए। 15 की स्ट्राइक रेट से रन बना दिया, देखते हैं इस मुकाबले में क्या होता है। अरुण डागा एक बार फिर से अपनी टीम को वापसी करवाते हुए यहाँ से खेलते हैं, उसका परिचय दे रहे हैं। फाइनल में भी इनके अनुभव की बात देनी पड़ेगी। बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है, फाइनल मैच में भी इस शैली को बरकरार रखते थे, इनकी प्रतिभा का हमें पता चल रहा है। बहुत ही गजब के खिलाड़ी है, इस मैच का रुख बदल सकते हैं। और हमने दोस्तों जुड़े इस मैच को मिस ना करें, इस मुकाबले को मिस ना करें। 23 गेंदे 54 रन। ये कैच ड्रॉप कर दिया भाई दोस्तों, अनु ने डागर का कैच ड्रॉप कर दिया। सिंपल कैच जी, कैच और उसे छोड़ दिया, एकदम लड्डू सा कैच था, शानदार फील्डिंग और टपका दिया वो कैच। अभी देखना होगा ये कैच कितना भारी पड़ता है। शर्मा क्लब को इनका कैच छोड़ा था शर्मा क्लब ने, और उसके बाद 46 रनों की पारी खेली थी। अब देखते हैं डागर क्या करते हैं। अरुण डागर इस टूर्नामेंट के सबसे चर्चित चेहरे, चर्चित नाम इस टूर्नामेंट का सबसे चर्चित नाम अरुण डागर। 22 गेंदों में अभी भी 52 रन चाहिए और हमारे भाई साहब लगातार बढ़ते हुए जुड़ जाए साथी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाए। तबाही मचाई थी बैटिंग में, देखते हैं इस फाइनल मुकाबले में क्या करते हैं। पहले मैच में तो इन्होंने तबाही मचा दी थी रनों में, सारे दर्शक इनके प्रदर्शन को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और डागर ने उठा के मारा है मौका था कीपर के पास में, पर थोड़ी थोड़ी गेंद गिरी और कैच नहीं कर पाए खिलाड़ी। अरुण डागर बहुत ही लकी रहे आज, फाइनल जैसे मुकाबले में इनका कैच ड्रॉप हुआ है। इस प्रतियोगिता में अगर जो जीवनदान की बात करें तो अरुण डागर बहुत ही भाग्यशाली खिलाड़ी है, और वो जो जीवनदान मिले उनका भरपूर फायदा भी उठाया। एक अच्छे खिलाड़ी का यही तो परिचय होता है, अगर आपको मौका मिले तो उस मौके को किस तरीके से बोना जाए। अरुण डागर से सीखा अभी उनका नाम तो नहीं जानते अभी, कैच किसने छोड़ा था उस 58 रन से बाहर रहे, लाजवाब चेयर्स बाहर रखे थोड़ी देर सर। 2023 का पहला गांव पसार के बैठे हैं ये जो बाउंड्री लाइन पे हमें प्रतीत हो रहा है। यहां पे 2023 की लाइटों से बाहर अपने पांव रखे हैं, जो जांगे पसार के बैठे करके थोड़ा दूर रहे, करंट आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। और ये मौका हो सकता था, बाहरी किनारा नहीं लगा, बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। सुरेंद्र सोनी सैनी बहुत अच्छे साबित हुए आज, ज्यादा रन नहीं दिए, बिल्कुल 30 ओवर खत्म होने वाला लेकिन मात्र 17 रन एक विकेट। बिल्कुल भाई साहब बहुत ही अच्छा प्रदर्शन ये बॉल वे कैच छोड़ने वाले
क्यों आना चाहते थे, फिर तुम्हारा ये जीत हुए खिलाड़ी छोटा था उनका नहीं जानते लगातार पहुंचता हुआ पहली गेंद पे छक्का शानदार वापसी शुरू से मैच में कितने मोड़ आते हैं 19 में क्या खड़े हैं आपको देखने में यकीनन बहुत मजा आने वाला है 19 गेंदे अब आपके पास में कोई नहीं बोल सुरेंद्र की 51 19 51 और ये कैच ड्रॉप हुआ दोनों जो प्लेयर अभी और इससे मौजूद है दोनों को इस ओवर में ओवर स्कोर हो गया कुछ रन 5 विकेट दोनों को एक एक जीवन दान मिल चुका है 59 रनों के स्कोर पे 5 विकेट 9 ओवर की समाप्ति पे धन्यवाद और अगले ओवर 59 रन 8 रन 5 विकेट 59 रन 9 ओवर कंप्लीट बहुत सराहनीय एम्पायरिंग हो रही है बड़े भाई गणेश चौधरी देश की और बड़े भाई भंवर सैनी अजमेरों की धाड़ी 18 बॉल पे अब चाहिए 50 बनती हुई 18 भाई साहब 50 चाहिए 8 बड़े खड़े हैं भंवर जी भाई साहब इसको ज्यादा नहीं है हम देख चुके पहले ये मुकाबला वो कोई नहीं कहे नाई माथा बाहर कथा कोई जो सामना आ जाए बिल्कुल हाँ आपकी इन्हीं बातों के लिए दर्शक आपके लिए इंतजार करते हैं आप इस ओवर में कमेंट्री करिए हमारे छोरे भी राजस्थान के छोरे भी हरियाणा से कम नहीं भाई हाँ कितने कैच छूटे ये सब किस्मत का खेल है दोस्तों नीरज शर्मा कितने के घोड़े फूटे बुआ में 50 से 18 8 बड़े हिट चाहिए यहां से इस मुकाबले में जीतने के लिए तो लिहाज के लिए बुआ जी तो क्रीप का दिया मारो फूफो जी पा क्यों पर हिट ग्राउंड शानदार प्रदर्शन 59 रन अब नीरज शर्मा जी आए हैं अपना दूसरा ओवर लेके उन्होंने पिछले ओवर में मात्र 5 रन देके 1 विकेट लिया था बहुत शानदार बिल्कुल स्टेज खेलते हुए और सिंगल राउंड से सब कुछ होना पड़ेगा हरियाणा जज्जर टीम को और नीरज शर्मा अपनी दूसरी बॉल तो एक बार फिर से डागर आ चुके हैं दोस्तों स्ट्राइक पे 5 गेंदे से इस पारी की सॉरी इस मैच सॉरी शानदार इस ओवर की 5 गेंदे से गजब का मैच 85,000 दर्शक पूरा टोडा मालपुरा के दर्शक भर चुके हैं मालपुरा के ग्राउंड में बाउंड्री लाइन पे दर्शक थोड़ा पीछे रहे हैं बहुत ही गजब की यॉर्कर बहुत ही फुलटॉस यॉर्कर जबरदस्त बॉलिंग नीरज शर्मा बॉल कहते हैं दिखाई नहीं दे रही सामने अनिल लाइव धन्यवाद डारा जी ने कैच ड्रॉप किया क्या नहीं भाई डारा जी ने कैच ड्रॉप नहीं किया बहुत भारी भरकम शरीर और ये फुल टॉस पे सामने फील्डर एक ही रन मिलेगा अनिल जी डागर को शानदार बॉलिंग 17 रन 15 में 98% जो मैच है वो चला जाएगा श्री बालाजी क्लब के पास में इन 3 गेंदों में कहीं ना कहीं बाउंड्री ढूंढते हुए नवीन ने बहुत ही शानदार नीरज शर्मा एक बार फिर से चलेंगे नवीन के लिए एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इस एक रन के साथ 65 रन 5 विकेट जी हाँ दो बॉल रह गई है कुछ भी हो सकता है महावीर जी भाई साहब नहीं इसके बाद अभी दो और बाकी है वो बॉल बाकी है इस दो बॉलों में भी कुछ भी हो सकता है हाँ सामने डागर है हाँ जी सामने डागर है तो उसके सामने नागर है ओहो सिंगल ड्रॉ और इसके साथ ही फुलटॉस का फायदा नहीं उठा पाए नहीं उठा पाए अरुण टाइगर ने और 10 ओवर की लास्ट बॉल नो बॉल निर्णायक द्वारा नो बॉल का डिसीजन ये फ्री हिट रहेगा सामने है
कितने चीज भैया पंद्रह वैसे देखा जाए तो श्री बालाजी ने पहली बार नो बॉल दिए उनके मैच में भी नो बॉल थी और इस नो बॉल का कितना फायदा उठाते हरियाणा जज टीम सामने नवीन भाई चौदह में 45 चाहिए दोस्तों 14 गेंदे 45 रन है अभी भी क्या इस मुकाबले में जान बाकी बिल्कुल बाकी जान है ये गेंद और अंपायर का इशारा वाइड वाइड चौधरी फ्री जारी है वाइड बॉल फ्री जारी है फ्री जारी 14 गेंदे 44 रन बॉल वाइड जाती है तो नो बॉल नो बॉल ही रहेगी फ्री अभी भी भाई नवीन जी की किस्मत में इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं हम बल्लेबाजी देखने लायक जरूर होगा ये गेंद और इसे उठा के मारा है शॉट मौजूद है फील्डर बहुत चौकन्ना था एक ही रन मिलेगा एकदम ब्रेक मारे ब्रेक गियर डाल के बॉल को रोका सिंगल ही रन दिया शानदार फील्डिंग श्री बालाजी मालपुरा 43 रन श्री बालाजी कलम मालपुरा ने जबरदस्त 66 रन 5 विकेट और 10वें ओवर की लास्ट बॉल लेके आ रहे हैं नीरज जी शर्मा अब तक एक ओवर 1.5 में मात्र 12 रन देकर एक विकेट लिया बहुत उसके नीचे कीपर और ये शानदार कैच जी हां इसी के साथ में गागर की रीड गेट टूटी हरियाणा की रीड गेट टूटी एक इस प्रतियोगिता के अरुण गागर खिलाड़ी आउट हो चुके हैं अब 10 ओवर की समाप्ति पे 66 रन 6 विकेट के नुकसान पे आप राजस्थान भाइयों का सिकंदर जबरदस्त हरियाणा भाइयों के ऊपर हैवी और इस दर्शक बहुत ही दर्शक जाए ना मेरी सभी दोस्तों से अनुरोध है जाए ना बहुत तगड़ा प्रोग्राम होने वाला है आनंद लीजिए हाँ हाँ बहुत शानदार 66 रन 6 विकेट 10 ओवर में अब मात्र 12 बॉल में 43 रन की यानी 43 रन चाहिए क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है कुछ भी हो सकता है रस्सा लेके ना जाए भैया हेलो टेंट का कोई रस्सा लेके ना जाए आप कैमरे की नजर में हैं हाँ कैमरे की नजर में रस्सा लेके ना जाए हाँ टी शर्ट के साथ और भी सामान मिलता है मामा श्री बोल दिया है जी 66 रन 6 विकेट 10 ओवर कंप्लीट और हमारे ओम जी भैया विक्रम जी हाँ आए हैं बैट्समैन के तौर पे विक्रम के रूप में नए बल्लेबाज आए हैं हरियाणा की टीम की तरफ से 12 बॉल में 43 रन चाहिए बहुत शानदार मैच और आप देखो ये ओवर ही मैच का रूप बदल सकता है जहाँ तक क्योंकि आप कह रहे हो वैसे भी ओम जी भैया की रीढ़ की हड्डी झज्जर की नागर जी थे वो गए आउट होके बिल्कुल मैं जानता हूं भाई साहब पहले मैच से मैं डागर साहब को देख रहा हूं पिछले मैच में जब 18 से 20 के हिसाब से रनगति चाहिए थी उस मैच को भी ये मैच की 3 बॉल शेष रहने से पहले जीता के ले गए थे और नए बल्लेबाज के रूप में आए विक्रम हाँ और देखते हैं विक्रम अपनी टीम के लिए कितनी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं विस्फोटक बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो मैच इनके हाथों से निकल जाएगा स्कोर हुआ 66 रन 6 विकेट 10 ओवर की समाप्ति पे और 2 ओवर शेष रहे हैं 12 ओवरों में 43 रन चाहिए इनको बिल्कुल बिल्कुल एक मतलब आप इस मैच में 100% विस्फोटक होकर नहीं खेलोगे तो मैच आपके हाथों से निकल जाएगा और ये बॉल शॉर्टेड जा रही है खिलाड़ी है सामने बाकी 1 रन पूरा किया और रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ती हुई जा रही है धीरे धीरे 22.91 की रिक्वायर्ड रन रेट है बहुत बड़ी रिक्वायर्ड रन रेट है हम जहां तक देख पा रहे हैं कीपर फील्डर को जमा रहे हैं काम से करना इनको बहुत सटीक गेंदबाजी चीतू शर्मा की जो कि पहला ओवर करवा रहे हैं इस बारी में अपना पहला ओवर सही बालाजी क्रिकेट क्लब मालपुरा की तरफ से जी हाँ स्थानीय टीम कमजोर नहीं है बहुत सराहनीय प्रदर्शन रहा बालाजी क्रिकेट क्लब जो है वो यहाँ से हर गेंद पे बाउंड्री चाहिए भाई हर गेंद पे चौका चाहिए इस बार और ये शॉट मारा है
और से भी खिलाड़ी के हाथों में और इनकी इज्जत में क्रिकेट ओवर हरियाणा का। जी हाँ, इनको रिक्स लेना था, अगर रिक्स नहीं लेवे तो मैच हाथ से वैसे निकल रहा है इनके हाथों से, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 24.60 की हो चुके। देखो ओम जी, रिक्स के साथ में देखना भी पड़ेगा, और वैसे अभी मात्र 9 बॉल बची है, 9 बॉल में इनको 41 रन चाहिए, यानी प्रति बॉल। जी हाँ भाई साहब, सही बता रहे हैं, 9 बॉलों में 41 रन चाहिए, और इसके तुरंत बाद एक बहुत ही भव्य सांस्कृतिक प्रोग्राम होने वाला है, दर्शक निगाह टिकाए रखे। हाँ, अगर आपको चाय पानी पीनी है तो चाय पानी पी सकते हैं, बाकी रंगारंग प्रोग्राम होने वाला है। जी हाँ दर्शक, कुछ निराश है कि डागर साहब होते हैं तो कुछ ज्यादा अभी तक मैं देख रहा हूँ कि डागर साहब जब भी अच्छा मौजूद होते हैं तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी बंदों को उठा के लेके जाते हैं, लेकिन आज बीच में इसको नहीं आते, दूसरी बैच मैच अभी खत्म हुआ है। नौ में क्या सीधे नहीं, अभी भी हरियाणा के दर्शक सब जम के बैठे हैं। बिल्कुल हरियाणा के समर्थकों में कोई कमी नहीं है यहाँ पर, और ये अगली बॉल मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, छोरे हरियाणा के हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंडर है, और उठा के मारने का प्रयास किया, बहुत सटीक गेंदबाजी, पॉइंट के हाथों में बॉल, थ्रो मारा। अगर LPW होता ना तो ये विकेट भी इनका आठ हो जाता। बिल्कुल 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 भाई साहब, अगर LPW होता तो ये विकेट था निश्चित रूप से, पर ये टेनिस बॉल क्रिकेट में ये नहीं रखा जाता है ज़्यादातर। इसके बाद में अंतिम ओवर होगा, वो मेरा है, बिल्कुल महावीर जी भाई साहब का ये ओवर, आपको पूरा रोमांचित करेंगे। बहुत बहुत पूरे तरीके से जीत हुए खिलाड़ी, यकीनन यह मैच अब धीरे धीरे औपचारिकताओं की तरफ से औपचारिकताओं की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि खिलाड़ी जो अभी बैटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल और बहुत सटीक ओवर का ये लो भाई दोस्तों, इस मुकाबले में श्री बालाजी का वो अब 100% बालाजी क्रिकेट क्लब की तरफ से, जो अगर कोई एक्स्ट्रा गेंद नहीं आती है तो मैच खेला गया है, फील्डिंग में भी और बैटिंग में भी दोनों में इन्होंने बहुत संयम दिखाया है, फील्डिंग में बहुत ज्यादा चुस्त रहे, एक्टिव रहे। एक कैच अरुण डागर का ड्रॉप हुआ था, इसके अलावा किसी तरह की गलती नहीं हुई, अतिरिक्त रन भी बहुत कमाई, एक नो बॉल आई थी, और इसके बाद में एक रंगारंग प्रोग्राम होने वाला है। श्याम सुंदर शर्मा और इनकी टीम, श्याम सुंदर गुजर और इनकी टीम इंतजार कर रही है, और ये लास्ट ओवर, बहुत ही बढ़िया अपील और लेग एंपायर ने। जी हाँ महावीर जी, भाई साहब मैं आपको बता दूं, ये मैच महज औपचारिकताओं का रहेगा, क्योंकि 6 बॉलों में 39 रन कर रहा है, 5 बॉलों में 5 गेंदों में 40 चाहिए तो विकेट हो चुका है 70 की, और ये आखिर शादी होना शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं आखिर शादी और लगातार, और इसके तुरंत बाद में एक रंगारंग रंगारंग सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। संयम बनाए रखिए, चाय पानी करके तुरंत वापस लौट जाइए, और आप ही याद रखिए और मेरा अजी लव यू जी, लव यू टू भाई साहब, और बहुत ही बढ़िया ये विकेट, अच्छी नहीं ये विकेट नहीं है, आपको ऐसा दोस्तों ये मुकाबला श्री बालाजी क्लब मात्र 4 गेंदे दूर हुई, जबरदस्त बॉलिंग भैया नीरज भैया, तोरी बॉलिंग को देखने के प्यार चाहे हम, शानदार। अब 4 बॉल में 39 रन, बहुत शानदार। अब एक और है, दो है, दो है, दो लास्ट, दो बॉल, दो गेंद है।
ये लो ये मुकाबला श्री बालाजी क्लब ने जीत लिया दोस्तों इस मुकाबले को। अरे वेरी गुड यार सची। हेलो दर्शक अपना ध्यान दे हमारे को राकेश जी भाई साहब को सूचना देने जा रहे हैं और सभी के लिए ये पालिका के माध्यम से अच्छी ठंड का समय दोस्तों अभी जो है इस लाइव टेलीकास्ट को बंद करते हैं और समापन समारोह लेके जल्दी जुड़ेंगे हम आपके साथ में। इस फाइनल मुकाबले में बालाजी क्लब ने ये मुकाबला जीता है।